ओके गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम टू टेक्स बुक सुपर कोचिंग आप सभी का स्वागत है ओके okay. सबको आवाज आ रही है मेरी ओके ओके गुड इवनिंग एवरीवन क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है गाइस ओके okay. तो सभी लोग कमेंट करके मुझे जरूर बता दें और सबको मेरी अगर आवाज़ क्लियर आ रही है देखिए आज के सेशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैं आपको एडवांस में बताना चाहूंगा ठीक है ना एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज की आज हम पढ़ने वाले हैं पोजोलाना फ्लाई एश लाइम एंड ग्लास ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को अगर आप देखेंगे का ओपन करके तो आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि यार पोजोलाना तो टॉपिक जैसा था ही नहीं कुछ फ्लाइएस जैसा टॉपिक तो था ही नहीं लाइम तो चलो आपको मिल जाएगा लेकिन ग्लास तो आपको टॉपिक में मिलेगा ही नहीं मिलेगा लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि ग्लास से भी क्वेश्चन आते हैं से भी क्वेश्चन आते हैं फ्लाई एस से भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो इस तरह के टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने के लिए और इसीलिए मैंने इनके लिए आप लोगों को रेडी किया है मतलब कि आप जाएं और जब पेपर देने जाएं तो आपको ये भी अच्छे से आते हो साथ के साथ इस सेशन के अंदर में जो भी एस में आया हुआ क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा और जो ई में आए हुए क्वेश्चन है इसके पहले के वो भी कराऊंगा और थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने इसमें अपनी तरफ से भी बनाए हैं ताकि आप बेसिकली इनके लिए अच्छे से रेडी हो सके क्योंकि देखिए इनसे ज्यादा सवाल तो पहले की ईयर में आए नहीं है लेकिन यह है कि हां इतना जरूर पता है कि आएंगे यह डेफिनेट है यस और नो तो इसीलिए हम इसके लिए पूरी तरह से रेडी हैं एंड दिस सीरीज सेलेक्शन 500 सीरीज विल हेल्प यू गेन दिस पर्टिकुलर तो डेली का टाइम हमें पता है कि 9 बावजूद आती है तो आप हमेशा ई मेल करके अपनी बात मुझे मेरी ईमेल आई डी पर बता सकते हैं ठीक है शुभम डॉट अग्रवाल डॉट फैकल्टी एट द रेट टेक्स बुक डॉट कॉम यह मेरी ई मेल आई डी है इस पे आप कभी भी ईमेल करिए और अपनी बात मुझ तक भेजिए ठीक है अच्छा एक काफी दिनों से काफी सारे बच्चे एक सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में लगातार पूछ रहे थे कि सर जो आपकी रैंक इंप्रूवमेंट क्लास चलती थी चार बजे एप्लीकेशन में वो कब से शुरू होगी ठीक है ना तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए पीडीएफ तो सबसे पहले आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा शुभम अग्रवाल सर टेस्ट बुक ठीक है ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्लास के बाद क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और आप वहां से क्लास के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मैं पिछली दो की भी से डाल दूंगा। और रैंक इंप्रूवमेंट क्लास मैं टेक्स बुक की एप्लीकेशन में शुरू कर रहा हूं ठीक है ना क्योंकि काफी सारे बच्चों को देखिए बच्चे पढ़ लेते हैं पढ़ने के बाद मेजर प्रॉब्लम आती है कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाते क्यों क्योंकि वो आंख नहीं पाते हैं कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में वो कितना अच्छा कर पा रहे हैं अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो करके जरूर बताएं जय साहब ठीक है ना तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है बच्चों की हम पढ़ते हैं मेहनत करते हैं आप अभी इस सेशन में बैठ के पढ़ रहे हैं इससे पहले जो मैंने दो सेशन लिए आने वाले जितने सेशन है से, सब में आप आते हैं पढ़ते हैं लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम नहीं जान पाते कि कहां पे किस क्वेश्चन में फंस जाता हूं कौन से न्यूमेरिकल में फंसूंगा ठीक है ना कौन से सब्जेक्ट में फंस रहा हूं किस टॉपिक में फंस रहा हूं ये मैं नहीं जान पाता ठीक है ना इसीलिए ये जो सीरीज है ठीक है ना रैंक इंप्रूवमेंट क्लास की जो कि चार बजे आप लोगों के लिए टेक्स्ट की एप्लीकेशन में फ्री चलने वाली है ठीक है ना ये थर्टी मिनट्स का पावरफुल सेशन होगा ठीक है ना ये डेली बेस पे थर्टी मिनट्स का पावरफुल सेशन होगा और ये आपको 30 मिनट में ये बताएगा कि बेसिकली आप बाकी सारे बच्चों के कंपैरिजन में कितना अच्छा कर पा रहे हैं या कितना अच्छा कर सकते हैं ठीक है ना और हम वहीं पे अपना इंप्रूवमेंट शुरू कर देंगे तो सभी बच्चों को क्लियर है इसलिए आप टेक्स बुक की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें और हम आने वाले इस मंडे से इन क्लासेस को शुरू कर रहे हैं लेकिन मंडे से पहले सैटरडे को मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास रखने वाला हूं चार सैटरडे से ही शुरू कर रहे हैं तो पूरी इस -इस में क्या होगा कैसे होगा कैसे और आने वाले एस एस जेई एग्जामिनेशन तक ये रैंक इंप्रूवमेंट क्लास कैसे कैसे आप लोगों को हेल्प करने वाली है और मैं आपको बता दूं ये टेक्स बुक की एप्लीकेशन पे होगी जिन बच्चों को नहीं पता टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें एंड

ठीक है ना तो वी ऑल आर रेडी एंड सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दें भाई चलिए शुरुआत करते हैं तो आज हम सबसे पहले कवर करेंगे पोजोलानिक मटेरियल फिर हम कवर करेंगे फ्लाई एश उसके बाद हम कवर करेंगे लाइम एंड द लास्टली वी विल कवर ग्लास ठीक है ना चलिए तो शुरुआत करते हैं पोजोलानिक मटेरियल के साथ देखिए पोजोलानिक मटेरियल एक ऐसे मटेरियल है जो कि जनरली हमारे लिए पहले क्या थे एक वेस्ट मटेरियल की तरह थे लेकिन धीरे धीरे हमने ये पहचाना कि जो मटेरियल हैं ये हमारे काम के हैं जैसे कि पोजोलानिक मटेरियल के अंदर हमने ऐसी क्या चीज देख ली जो हमने कहा कि ये हमारे काम के हो सकते हैं देखिए पोजोलानिक मटेरियल ऐसे मटेरियल थे जिनके अंदर सिलिका की अच्छी खासी परसेंटेज हमें मिल रही थी अब जैसे कि अगर आप याद करें तो पिछले दो लेक्चर्स के अंदर भी आपने सीखा कि भाई सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो किसकी वजह से मिल रही थी वो लाइम की वजह से मिल रही थी वो सिलिका की वजह से मिल रही थी ठीक है तो सिलिका आपको स्ट्रेंथ देता था किसके अंदर सीमेंट के अंदर अच्छा अगर ब्रिक के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ब्रिक के अंदर भी ऐसे ही कुछ सिचुएशन आई थी कि ब्रिक के अंदर 50 से 60 परसेंट क्या था सिलिका था और ब्रिक में भी वो स्ट्रेंथ दे रहा था यानी कि सीमेंट और ब्रिक दोनों को बनाने के लिए जो मैं मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूं उसके अंदर सिलिका मुझे स्ट्रेंथ देता है लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम थी इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसकी अपनी कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं थी क्योंकि भाई मैं सीमेंट से क्या चाहता हूं बाइंडिंग प्रॉपर्टी चाहता हूं सीमेंटिंग प्रॉपर्टी चाहता हूं लेकिन क्या मुझे पोजोलानिक के अंदर वो मिल रही है नहीं मिल रही है तो इसलिए ये प्रॉब्लम थी और मैं इसीलिए इस पोजोलानिक मटीरियल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था तो मैंने क्या किया जब इस पोजोलानिक मटीरियल को ठीक है ना सीमेंट के साथ मिलाया और सीमेंट के साथ मिलाकर इसको इंटरग्राइंड कर दिया एक मिक्सचर तैयार कर दिया इसका और जब पानी के साथ मिलाकर इसको रेडी किया तो मुझे यह समझ में आया कि इसके अंदर धीरे धीरे अब सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज आ गई हैं बाइंडिंग प्रॉपर्टीज आ गई है ठीक है ना तो इसका मतलब यह है कि इसकी अपनी कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं थी लेकिन जब मैंने इसको सीमेंट के क्लिंकर्स के साथ मिक्स किया और मिक्स करने एक तो मेरे भाई पता नहीं क्या चक्कर क्या है यार ये भाई किसको लग रहा है कि बफरिंग हो रही है यस yes, किसी बच्चे को ऐसा लगता है हाँ भाई जिस जिसको लगता है कि क्लियर है ऑल क्लियर लिख दें भाई क्योंकि बफरिंग होगी तो हमारी तरफ से सबको होगी वरना किसी को नहीं होगी

ठीक है ना मतलब थोड़ा सा भी चलिए कोई बात नहीं छोड़ो ठीक तो के के मिक्स करके, मिक्स करके तो है तो और अगर बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ गई है तो बस सिंपल मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मेरे साथ ये था कि पोजोलानिक मटेरियल कुछ नेचुरल भी थे कुछ आर्टिफिशियल भी थे अब जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं जैसे नेचुरल पोजोलाना कौन से है क्ले ठीक है है ना शेल शेल का पत्थर क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है उसका मैंने क्या करा उसका चूरा बनाया और उसको सीमेंट में इस्तेमाल कर लिया क्ले को इस्तेमाल कर लिया कुछ आर्टिफिशियल मटेरियल्स को आप पहले से जानते हैं जैसे कि फ्लाई एस जो सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाती है कॉमनली यूज ठीक है ना अगर आप देखेंगे तो हमने पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट बनाया था ठीक है ना पोजोलानिक मटीरियल मिलाकर हमने ओपीसी सीमेंट के अंदर जब पोजोलाना को मिलाया तो हमारा क्या बना पीपीसी सीमेंट बना किससे बना ओपीसी सीमेंट से बना तो उसके अंदर जो कॉमनली पोजोलानिक मटीरियल था वो कौन सा था फ्लाई था ठीक है ना ग्राउंड ब्लास्ट स्लैग भी एक पोजोलानिक सिलिका फ्यूम राइस हस्क जिसको आप भूसी कहते हैं ठीक है ना ये सब क्या है सब पोजोलानिक मटीरियल है और इन सब का जो एक मेन इंग्रेडिएंट है वो कौन सा है सभी लोग लिखकर बताएंगे वो सिलिका है ठीक है तो सिलिका हमारा क्या था एक मेजर इंग्रेडिएंट था तो मैंने कहा चलिए ठीक है कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ठीक है तो अब मैंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया कि कि अगर कॉमनली इस्तेमाल इस्तेमाल कर कर रहे हैं फ्लाई 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 को को तो ऐसा क्या है फ्लाई के अंदर कि मैं फ्लाई को कर रहा हूं देखिए इंडिया के अंदर जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो मेजरली बिजली का जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो थर्मल पावर प्लांट से होता है और थर्मल पावर प्लांट के अंदर भैया ऐसा क्या है थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है कोयला और जब कोयला को जला दिया जाता है कोयले से जब एनर्जी जनरेट कराई जाती है तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बचता है कोयले की बर्निंग के बाद ठीक है है ना उसकी बर्निंग के बाद जो बचता उसे हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं ये ये फ्लाई कैसे बना ये हमें समझना होगा तो हमने एश जो थी वो इकट्ठी कर ली और वो यही फ्लाई एश है लेकिन वो फ्लाई क्यों है देखेंगे अभी ठीक है ना अब यहां पर मैंने क्या किया देखो सबसे पहले एनालॉजी समझते हैं एनोलॉजी ऐसी कि भाई सीमेंट के अंदर जो मेजर कंपाउंड था वो कौन सा था लिखकर बताएंगे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट था जितना लिख लिख कर याद करेंगे पीडीएफ मैं दे दूंगा समझा मैं दूंगा बता मैं दूंगा करा मैं दूंगा ठीक है ना सिलेक्ट तुम हो जाओगे कम से कम कमेंट सेक्शन में लिख लिख कर याद ही कर लो ठीक है तो भैया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मेजर कंपाउंड था किस में था भाई ठीक है ना सीमेंट में था अब सीमेंट में जो मेजर कंपाउंड है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है और जैसे ही वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी रिएक्शन होती है ठीक है जो रिएक्शन होती है हम उसे कहते हैं हाइड्रेशन तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होते ही उसके अंदर एक जेल क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रेट और उसके साथ साथ बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है लाइम है और इसे हम कहते हैं अनकंबाइंड लाइम ये क्या है एक अनकंबाइंड फॉर्म में रह जाता है ठीक है भाई और दूसरी रिएक्शन एक और समझने की कोशिश करते हैं दूसरी रिएक्शन ये है कि ये अनकंबाइंड लाइम के साथ अगर सिलिका रिएक्ट कर जाए तो फिर क्या बन सकता है कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट जेल बन सकता है क्या बन सकता है लिखकर बताएंगे कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट जेल बन सकता है तो भाई ध्यान देने की बात यह है कि जब सीमेंट से पानी रिएक्ट करता है तो भी कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट जेल बनता है और अगर किसी अनकंबाइंड लाइन के साथ सिलिका रिएक्ट कर ले तो भी कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट जेल बन सकता है ये बात तो तो मेरे मेरे को समझ में आने लग गई तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो पोजोलानिक है ठीक है ना उसमें क्या है सिलिका है जैसे कि फ्लाई एश फ्लाई एश में क्या था मेजरली सिलिका था तो मैंने फ्लाई एश को जब इस्तेमाल किया और जो सीमेंट है उसमें जो अनकंबाइंड लाइन था फ्री लाइन था कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड था जब इन दोनों ने रिएक्ट किया सीमेंट का फ्री लाइम और पोजोलाना का या फिर फ्लाई एश का सिलिका जब इन्होंने रिएक्ट किया तो फिर से क्या बना लिया कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट बना लिया और फाइनली इससे फिर हमें क्या मिल जाएगी स्ट्रेंथ मिलेगी तो यानी कि अगर मैं पोजोलाना मिला दूं एक सीमेंट के अंदर तो उससे क्या हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है घटती है या कोई फर्क नहीं पड़ता यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और यह जो रिएक्शन हुई है पोजोलाना में जो सिलिका था और फ्री लाइन जो सीमेंट में था इन दोनों की रिएक्शन की वजह से जो कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट बना इस रिएक्शन को मैं कहता हूं पोजोलानिक एक्शन ठीक है ना तो पोजोलानिक एक्शन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में अब यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि पोजोलानिक एक्शन होने की वजह से क्या क्या चेंजेस मुझे देखने को मिलते हैं इस कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट की वजह से एक तो ठीक है ना जो फ्लाई एश होता है उसका जो पार्टिकल होता है वो सीमेंट के पार्टिकल से छोटा होने की वजह से सीमेंट की परमेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है सीमेंट की परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाने की वजह से यानी कि आप कह सकते हैं उसकी इम बढ़ जाती है इम्पर्मेबिलिटी बढ़ जाती है साथ के साथ कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट की फॉर्मेशन हो रही है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ठीक है ना और स्ट्रेंथ और साथ के साथ इम्पर्मेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से अब एक्सटर्नल एजेंसीज उस सीमेंट को आसानी से खराब नहीं कर पाती इसलिए वो लंबे समय तक चलता है यानी कि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है तो जो तीन मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं एक है इम्परमेबिलिटी दूसरा है हमारा ड्यूरेबिलिटी तीसरा है हमारा इंक्रीज स्ट्रेंथ और इन सभी वजहों से जो चेंज हमें देखने को मिलता है उसे हम एड्रेस करना चाहते चाहते हैं अब वो क्या क्या चेंजेस होंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं देखिए सबसे पहला सवाल जो आपसे बनेगा आपके सामने कि आप पोजोलाना जब मिलाते हैं एक सीमेंट के अंदर तो जनरली किस परसेंटेज में मिलाया जाता है ठीक है ना तो वो जो रेंज है इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये सवाल पूछा गया था ठीक है ना और इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया तो वहां पे जो ऑप्शन दिया गया था वो था 15 से 35% क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था तो बहुत जगहों पर आपको यही रेंज लिखी हुई मिलेगी 15 से 35% बट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड्स जो एक्यूरेट आंसर है वो कितना है 10 से 30% सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बोलेंगे 10 से 30% तो मैं क्या कर सकता हूं मेरे पास अगर कोई सीमेंट है उस सीमेंट के पार्टिकल्स को 10 से 30 परसेंट रिड्यूस करके उसमें 10 से 30 परसेंट क्या ऐड कर सकता हूं पोजोलाना ऐड कर सकता हूं जैसे फ्लाई एश, फ्लाई एश का एक पोजोलानिक मटेरियल और इससे मेरा एक जो सीमेंट बनेगा वो कौन सा होगा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इस पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के अंदर जब मैंने सीमेंट के लेक्चर में आपको बताया था तो कई सारी प्रॉपर्टीज मिली थी एक प्रॉपर्टी ये भी मिली थी कि सीमेंट जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है जिसमें कि हीट रिलीज होती है लेकिन जब यह पोजोलाना उस चीज को क्या कर लेता है रिप्लेस कर देता है तो उसकी वजह से क्या होता है हीट का प्रोडक्शन कम होता है यानी कि आप यह कह सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन में आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा दूसरी बात इसके और भी कई सारे फायदे हैं जैसे कि भाई इकोनॉमी आ जाएगी मतलब कि भाई पोजोलानिक मटीरियल क्योंकि फ्लाइए जो है कोयला जलने के बाद बेकार थी हमारे लिए

इंक्रीज हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी तो ये हमें कुछ पॉइंट यहां पर देखने के लिए मिलते हैं सबको क्लियर है यहां तक सबको क्लियर है तो क्लियर जरूर लिख देंगे कमेंट सेक्शन में यस yes, एवरीवन ठीक है भाई ओके, ओके लेस मूव फॉरवर्ड ठीक है ना अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि एक हमें जो मेजर जो डिफरेंस आता है ठीक है ना जो कि बुक पे भी आप सभी लोगों के लिए आया और वो क्या है कि आपके लिए चीजें इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल हो गई ऐसे ही जब हमने पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट बनाया पोजोलाना की मदद से तो चीजें क्या हो गई हमारे लिए इकोनॉमिकल हो गई affordable हो गई, राइट अब यहां पर तीन सवाल आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर कि मुझे बताइए कि heat of hydration पे क्या आता है की वजह से क्या, क्या, क्या फर्क नहीं पड़ता तो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस हो जाती है और अब हीट ऑफ हाइड्रेशन जो कि लो हीट सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा था ठीक है ना जो कि ओपीसी सीमेंट से कम थी तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का आप जो प्रोडक्शन होगा वो कंपेरेटिवली लो हीट सीमेंट के बराबर होगा इसके साथ साथ जो दूसरा सवाल पूछा जाएगा श्रिंकेज तो श्रिंकेज आपको सीमेंट में कैसा देखने को मिलेगा अगर आपने पोजोलानिक मटेरियल की मदद से बनाया है तो श्रिंकेज लगभग लगभग एक ओपीसी सीमेंट के बराबर होता है तीसरा आपको यह देखने को मिलेगा कि अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो देखिए पोजलानिक मटेरियल जो है वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करता है यानी कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ़ स्ट्रेंथ है रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जो है ठीक है ना किसका सीमेंट का वो रिड्यूस हो जाता है क्या हो जाता है रिड्यूस जिसकी वजह से जो अर्ली स्ट्रेंथ है शॉर्ट टाइम में जो स्ट्रेंथ है वो आपको कम मिलती है लेकिन अगर लॉन्ग टाइम में बात की जाए कि 90 दिन के बाद तीन महीने बाद या छह महीने बाद तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पोजोलानिक मटीरियल की वजह से बढ़ जाती है बट अर्ली स्ट्रेंथ जो है वो सीमेंट की क्या हो जाती है रिड्यूस तो लिखकर बताएंगे एवरीवन अर्ली स्ट्रेंथ क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है किसकी वजह से इस पोजोलॉनिक एक्शन की वजह से अगर आप इसकी मदद से सीमेंट को

Plus string में कहीं पे भी और इस्तेमाल करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं चलिए बहुत अच्छे अब यहां पर फ्लाई फ्लाई देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक बनेगा बनेगा क्यों बनेगा? सवाल यह बनता है देखिए पोजोलानिक मटेरियल में कई सारे पोजोलानिक मटेरियल थे जैसे कि मैंने बताया कुछ नेचुरल थे कुछ आर्टिफिशियल थे आर्टिफिशियल पोजोलानिक मटेरियल्स के कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं अभी अभी मैंने बताए यस एवरीवन प्लीज कमेंट मी ठीक है ना कि पोजोनानिक मटेरियल्स के कुछ आर्टिफिशियल एग्जाम्पल्स मुझे देंगे यस एवरी प्लीज सभी लोग कमेंट करके बताएंगे अक्षदीप युवराज प्रशांत फ्लाई एश है बहुत अच्छे कपिल साहब राइस हस्क है बहुत बढ़िया ठीक है ना सिलिका फ्यूम बहुत अच्छे सुर्खी बहुत बढ़िया ठीक है ना तो ये कुछ एग्जाम्पल हमारे हैं और आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना बनाकर रखना होगा देखिएगा अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्लाई उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ठीक है ना तो फ्लाई फ्लाइए की अगर मैं बात करता हूं तो फ्लाई फ्लाइए में भी जो मेजरली आपको इंग्रेडिएंट मिलेगा क्योंकि पोजोलानिक मटीरियल सिलिशियस से नेचर में तो इसमें भी जो मेजर इनग्रीडियंट आपको मिलता है वो क्या है सिलिका है तो सिलिका इज अली सॉरी फ्लाईश इज नथिंग बट अ सिलिशियस मटीरियल अब मैंने कोयला लिया कोयले को क्या करा जलाया थर्मल पावर प्लांट के अंदर भाई उससे मैंने एनर्जी बना ली लेकिन जो चिमनी थी इसमें से जो गैस थी निकल रही उसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स इसी जो आपने देखा हुआ धुआं निकलता हो चिमनी में से उसी में से क्या कर रहे हैं साथ में ट्रेवल कर रहे हैं निकल रहे हैं तो मैंने क्या किया कुछ ऐसे डिवाइस ले आया जिनकी मदद से उन गैसेस को फिल्टर किया और अंदर जो जलाने के बाद बेसिकली मेरे पास तीन तरह की बनती है। वो कौन सी तीन तरह की है जैसे इस पे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं एग्जाम में 2020 में पूछा गया था वट इज देश

ठीक है तो अलग अलग आंसर आए हैं देखिए ठीक है तो इसलिए अब हमें समझना है स्टेप बाय स्टेप कि ये अलग अलग ऐश कैसे बन रही है ठीक है तो देखिए सबसे पहले मैं चलता हूं फ्लाई ऐश के ऊपर देखिए कोई भी जो फ्लाई ऐश है या फिर कोई भी ऐश आप कह सकते हैं उसके पार्टिकल का जो साइज होता है लगभग लगभग एक से एक सौ पचास माइक्रॉन के बीच में होता है अब जब मैंने भट्टी में क्या किया कोयले को जलाया तो इसके अंदर से गैसेस निकल रही थी ठीक है ना मैंने एक डिवाइस यहां पे लगा दिया जिसने गैस गर्म गैस को तो निकलने दिया लेकिन सॉलिड पार्टिकल को वहीं के वही रोक लिया उसमें एक सबसे मेजर काम प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या फिर साइक्लोन प्रेसिपिटेटर ये दो डिवाइस हैं अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं तो मैंने एक दो दिन पहले इन दोनों के ऊपर एक टेबल भी आपको प्रोवाइड की थी कि, कि किस साइज का पार्टिकल ये रिटेन कर पाते हैं

ठीक है ना क्योंकि मैं सीमेंट के अंदर पोजोलाना एड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लाई एश और मेरा सीमेंट बन जाएगा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट तो उस पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की जो क्योरिंग है वो जनरली अगर मैं 38 डिग्री सेल्सियस पे करता हूं तो यही जो स्ट्रेंथ नहीं दे पा रही थी जिसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं थी फ्लाई एस की वही सीमेंट के साथ पानी की प्रेजेंस में जब इंटरग्राइंड होकर मूव करेगी तो 38 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं क्योरिंग करता हूं तो एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी और आपको अल्टीमेटली एक ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगी तो यह हमारे लिए एक अच्छी बात है बुरी बात है मेरे हिसाब से सभी लोग बताएंगे अच्छी बात है ठीक है ना अब मैंने एक चीज ये तय कर ली कि भाई ठीक है मैं फ्लाई एश का इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि मेरी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ रही है ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो रहे हैं सेग्रीगेशन होने के चांसेस कम हो रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस हो रही है इम्परमेबिलिटी बढ़ रही है ठीक है ना तो कई सारी प्रॉपर्टीज मुझे देखने को मिल रही थी तो मैंने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने देखा कि जो एश है बेसिकली इसमें से अभी मेरे को फ्लाई हटाना पड़ेगा ठीक है ना तो हम जनरली फ्लाई फ्लाई बोलते रहते हैं क्योंकि सबसे कॉमनली इसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये अभी क्या है टाइप्स ऑफ एश एश तीन टाइप की होती है एक होती है पल्वराइज फ्यूल एश ठीक है ना जिसमें कि फ्लाई अभी भी नहीं है लेकिन हम पल्वराइज फ्लाई एश कह देते हैं लेकिन ये क्या है पल्वराइज फ्यूल एश है ठीक है ना दूसरी है सिलिक्सियस और तीसरी है कैल्शेरियस अब इसको समझने की जरूरत है कि हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ध्यान देने की बात यह है कि अगर मैंने कोयले को जलाया कोयले को जलाने के बाद जो ऐश बनती है ठीक है ना हमने कोयले को भाई थर्मल पावर प्लांट के अंदर मैंने क्यों इस्तेमाल किया था भाई सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि कोयले को थर्मल पावर प्लांट में किसले इस्तेमाल किया जाता है देखिए जब तक आप जवाब नहीं देंगे कुछ नहीं बोलने वाला ठीक है ना कि क्यों फ्री क्लास तो है ही है क्या करना है खड़े रहो अपना बोलता रहेगा ये ठीक है पीडीएफ डाल देगा टेलीग्राम में ठीक है जय साहब ऐसे नहीं निकलते पेपर आपके जिस तरह से कमेंट सेक्शन मूव कर रहा है ना ठीक है न थके हुए लोगों की निशानी है ठीक है तो मुझे लगता नहीं है कि आप थके हुए लोगों में से हैं क्योंकि आने वाले समय में आप अच्छे अच्छे डिपार्टो डिपार्टमेंट में जाएंगे और आप आने वाले समय में देश को रिप्रेजेंट करेंगे बी में होंगे देश को रिप्रेजेंट करेंगे एम में होंगे देश को रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है थके हुए लोगों में आओगे आप हैं थोड़ा जवाब आप दो भाई लिखो कमेंट सेक्शन में है क्या करने के लिए आए हो यहां टहलने आए हो लिखो ठीक है ना आने वाले समय में इंजीनियर्स देश की शान है भाई साहब और उसमें भी सिविल इंजीनियर्स ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बेसिकली बहुत अच्छे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अब लेकिन जब मैंने कोयले को जला दिया जलाने के बाद क्या बना ऐश बना ठीक है ना तो जो जब मैं कोयले को जलाकर कोई ऐश बनाता हूं कोयले को जलाने के बाद जब मैं कोई ऐश बनाता हूं उसी को पल्वराइज फ्यूल एश कहा जाता है क्या कहा जाता है पल्वराइज फ्यूल एश तो जो जलने के बाद कोयले के जो एश बनती है उसको पल्वराइज फ्यूल एश कहा जाता है और ये पल्वराइज फ्यूल एश चार टाइप की होती है फ्लाई ऐश तो फ्लाई ऐश इज अ टाइप ऑफ पल्वराइज फ्यूल ऐश ठीक है ना दूसरी होती है बॉटम ऐश तीसरी होती है पॉन्ड ऐश और चौथी होती है माउंड ऐश अब मेरे को ये समझने की जरूरत है कि ये चारों एक दूसरे से अलग कैसे हैं लेकिन इसको समझने से पहले मैंने अभी दो टाइप और बताए थे एक पल्वराइज फ्यूल एश थी दूसरी थी हमारे पास कैल्शियरियस फ्यूल ऐश देखो जब मैंने कोयले को जलाया तो जलाने के बाद ठीक है ना जो ऐश बनी मैंने उसे पल्वराइज फ्यूल ऐश कहा लेकिन अगर उसी फ्यूल ऐश के अंदर क्योंकि मैंने उसे एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया था हीट जनरेशन के लिए ठीक है ना अगर उसी एश के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड की परसेंटेज 10 परसेंट से ज्यादा है किससे ज्यादा है लिखकर बताएंगे 10 परसेंट से ज्यादा है तो ऐसी फ्यूल एश को कैल्शियरियस फ्यूल एश कहा जाएगा क्योंकि कैल्शियरियस का मतलब क्या होता है कैल्शियम अगर उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस दस से ज्यादा है ठीक है ना और इसको जनरेट करने के लिए मैं लिग्नाइट का इस्तेमाल करता हूं लिग्नाइट क्या है लिग्नाइट एक कोयला ही है लिग्नाइट कोल इसको ही बेसिकली हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छे जय साहब अब यहां पर एक चीज वो बहुत ध्यान देने की बात है कि दस से ज्यादा है तो मैंने कैल्शियरियस फ्यूलाइस कह दिया लेकिन अगर दस से कम हुई अगर कैल्शियम ऑक्साइड की परसेंटेज किससे कम हुई 10% परसेंट से कम हुई तो मैं इसी को fuel ash कहूंगा। इसी को क्या कहूंगा? Fuel ash कहूंगा। और calcium oxide 10 से ज़्यादा लिग्नाइट कोल के अंदर हमें 10% परसेंट से कम मिलती है तो सिलिशियस फ्यूलैश किससे मिलती है हमें बिटुमिनस कोल से ठीक है ना और कैल्शियरियस फ्यूलैश हमें किससे मिलती है लिग्नाइट कोल से ठीक है एवरीवन चलिए बहुत अच्छी बात है अब मैंने कहा कि चलो फ्यूल का, का काम हो जाएगा सिल्सियस हो गया लेकिन मैं वापिस आता हूं पल्वराइज फ्यूल के ऊपर क्योंकि पल्वराइज टाइप की है एवरीवन चार टाइप की। लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में चार टाइप की है ठीक है ना वो कौन से चार टाइप है बेसिकली सबसे पहले चलते हैं फ्लाई एश देखिए फ्लाई एश क्या था कि मैंने ये चिमनी थी ठीक है ना जब मैंने यहां कोयला जलाया तो यहां से क्या होगा हीट निकलेगी क्या निकलेगी हीट निकलेगी और इस हीट के अंदर इस गैस के अंदर बेसिकली कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे अब इन सॉलिड पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा या मीडियम होगा या फिर बड़ा साइज होगा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ठीक है ना इन पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होगा मीडियम होगा या बड़ा होगा ठीक है ना इन पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होगा क्यों छोटा होगा क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये गैस के साथ क्या कर रहे हैं हवा में मूव उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं फ्लाई कर रहे हैं मैंने लगा दिया यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ने क्या कर लिया इन सॉलिड्स को अपने पास इकट्ठा कर लिया इस ऐश को इकट्ठा कर लिया तो उड़ती हुई ऐश को जब इकट्ठा कर लिया तो क्या कहलाएगी फ्लाई ऐश कहलाएगी और इसको इकट्ठा करने के लिए दो मैं डिवाइस का इस्तेमाल करता हूं एक है साइक्लोन प्रेसिपिटेटर और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर अब वहीं पे अगर ये उड़ती नहीं इसके पार्टिकल का साइज हल्का सा बड़ा होता तो वो बॉटम पर ही बैठ जाती जो एश मैंने बॉयलर या फिर चिमनी में से बॉटम पे से ऑप्टेन किया उसको क्या कह दिया बॉटम ऐश कह दिया उसे क्या कह दिया लिखकर बताएंगे बॉटम एश कह दिया अब जो उड़ रही थी उसको क्या बोला फ्लाई एश जो बॉटम पर बैठ गई थी उसको क्या बोला बॉटम एश ठीक है तो मेरे को फ्लाई एश भी पता है और मुझे बॉटम एश भी पता है अब इन दोनों एश को अगर मैं मिला दू और इसका एक मिक्सचर बना दू ठीक है ना अगर मैं फ्लाई एश और बॉटम ऐश का मिक्सचर बना दूं मिलाकर और ड्राई फॉर्म में ही उसको स्टोर कर लूं ठीक है ना उसको किस किस फॉर्म में स्टोर कर लूं ड्राई फॉर्म में स्टोर कर लूं तो मैं उसे माउंड एश कहता हूं लेकिन उस मिक्सचर के अंदर पानी भी मिला दूं तो मैं उसे पौंड एश कहता हूं तो यानी कि अगर मैंने प्लाई एश और बॉटम ऐश दोनों का मिक्सचर मिलाया और उसके साथ पानी भी मिला दिया और उसको मिलाकर स्टोर कर लिया तो मैं इसे कहूंगा पौंड एश लेकिन अगर मैंने ऐसा किया कि भाई मैंने इसके अंदर पानी नहीं मिलाया सिर्फ ड्राई मिक्सचर के फॉर्म में ही इसको स्टोर कर लिया तो मैं इसे कहूंगा माउंड एश। क्या कहूंगा एवरीवन मैं इसे मैं ऐश कहूंगा तो बेसिकली आपसे एक सवाल जो एसएससी जेई के अंदर पूछा जाएगा वो मैं आपसे भी पूछूंगा और उसके लिए आप तैयार हैं लेकिन आपके मन में एक सवाल डेवलप हो सकता है कि फ्लाई एश अगर सर आप कहते हैं दो ग्रेड की होती है ग्रेड वन और एक ग्रेड टू दो ग्रेड की होती है तो उसमें से कौन सा ग्रेड जो है रिकमेंड किया जाता है जिससे आप पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट बना पाए तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट बनाने के लिए जो बेसिकली इस्तेमाल की जाती है फ्लाई आश, वो ग्रेड वन की की जाती है अब क्या फर्क है ग्रेड वन और ग्रेड टू में देखिए जो ग्रेड वन की फ्लाई एश है उसकी जो फाइननेस है वो कंपैरेटिवली ग्रेड टू से ज्यादा होती है एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी कितनी प्रॉपर्टी याद रखनी है सिर्फ एक प्रॉपर्टी ठीक है ना दैट इज की फाइननेस ऑफ ग्रेड वन फ्लाई थ्री ट्वेंटी मीटर स्क्वायर पर के जी और ग्रेड टू की कितनी है टू फिफ्टी मीटर स्क्वायर पर केजी ठीक है तो मैंने कहा कि उसकी फाइननेस ज्यादा होने की वजह से हम उसको क्या करते हैं बेसिकली वो हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस कंपेरेटिवली जल्दी पूरा करा पाती है जिसकी वजह से रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जितना पहले से ही कम मिल रहा है पुजुलाना होने की वजह से फ्लाई फ्लाईश होने की वजह से अब और कम हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती कि नहीं हो जाती ये yes वन होती कि नहीं होती तो होती इसलिए मैंने कहा कि भाई जिसकी फाइननेस ज्यादा होगी वही रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ाएगा जिसका रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसकी वजह से रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ ज्यादा होगा जिसकी वजह से रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो जल्दी स्ट्रेंथ मिलेगी तो भाई इसको, इसको इस्तेमाल करो ना ग्रेड वन को इसलिए ग्रेड वन की एश को पहले रिकमेंड किया जाता है ठीक है भाई तो अब सवाल का जवाब आपको बताना है जय साहब कि भाई वट इज द नेम ऑफ एश एज पर आई एस थ्री एट वन टू पार्ट वन दो हजार तेरह विच इज प्रॉम फ्लाई एश और बॉटम बोटोमैश और बोथ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन किसी भी प्रोपोर्शन में आपने फ्लाई एश और बॉटम बोटोमैश को मिक्स कर लिया एंड कन्वेड और कैरीड फ्रॉम अ वॉटर स्लरी ठीक है ना हम उसे पल्वराइज फ्यूल एश कहेंगे हम उसे माउंड ऐश कहेंगे हम उसे पौंड एश कहेंगे या हम उसे कैल्शेरियस फ्लाई एश कहेंगे हम उसे क्या कह सकते हैं एवरी वन प्लीज सभी लोग आंसर करेंगे ठीक है ना तो देखिए आप कितना शानदार आंसर कर रहे हैं अब ठीक है ना शानदार आंसर कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं अब अब नो आंसर कर पा रहे हैं ना आप पता है ना कि क्यों फ्लाई एश कर क्यों पॉन्ड पौंड रहे हैं क्यों माउंट ऐस कह रहे हैं क्यों बॉटम ऐश कह रहे हैं क्यों सिलीशिय रहे हैं क्यों कैल्शियरियस फ्यूल एश कह रहे हैं क्यों एश कह रहे हैं कहां से आ रही है उसमें क्या है क्या एक्शन होता है क्या रिएक्शन होती है क्या बन जाता है क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है सब जानते हैं तो भाई साहब आंसर क्या बन गई पाउंड एश ठीक है परफेक्ट अब दूसरा टॉपिक है हमारा लाइम लाइम के लिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड एक खास आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है एंड दैट इज 712 ठीक है ना तो 712 इंडियन स्टैंडर्ड कोड है और लाइम जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है लाइमस्टोन से मिलता है किससे मिलता है लिखकर बताएंगे लाइमस्टोन से मिलता है ठीक है तो इसी लाइमस्टोन का जब मैं क्या करता हूं कैल्सिनेशन करता हूं कैल्सिनेशन करने का मकसद क्या है कैल्सिनेशन करने का मतलब है कि मैं उसको हीट करता हूं तो जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन लाइमस्टोन इज नथिंग बट कैल्सियम कार्बोनेट जब उसको क्या किया जाता है हीट किया जाता है कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है लगभग लगभग 900 डिग्री सेल्सियस सभी लोग लिखकर बताएंगे कितने टेम्परेचर पर 900 डिग्री सेल्सियस पर जब उसको हीट किया जाता है तो वो दो चीजों में ब्रेक हो जाता है एक है कैल्शियम ऑक्साइड क्या है लिखकर बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड किसमें ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो जाती है लेकिन इसी कैल्शियम ऑक्साइड को मैं कहता हूं क्विकलाइम लिखकर बताएंगे क्या बोलता हूं क्विक लाइम बोलता हूं अब इसी क्विक लाइम की एक दिक्कत है ठीक है ना जिंदगी में आपको किस चीज का लालच है बताएंगे सभी लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे साहब किसी किसी ना चीज का लालच तो होगा ठीक है ना किसी ना किसी चीज का लालच तो होगा जैसे इस समय मेरा लालच चल रहा है कि 500 बच्चे इस बार एसएससी में सेलेक्ट होने चाहिए इसीलिए मैं रात को 11 बजे तक खड़ा हूं 12 बजे तक खड़ा हूं तो भाई साहब इस बार लेना है 500 बच्चों का सिलेक्शन तो भाई सीधी सी बात यह है कि लालच जो है आपको अभी किस चीज का है सिलेक्शन का है ठीक है ना इसलिए आप भी इस समय बैठे हुए हैं ठीक है तो भाई सिंपल सी बात यह है कि यह एक लालची इंसान है और हर कोई लालची होता है तो इसको भी एक लालच अच्छा है और इसको लालच अच्छा है पानी का जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस में आता है खुला छोड़ दो या पानी की प्रेजेंस में आता है मतलब बेसिकली पानी की प्रेजेंस में आता है तो पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके अब क्या बना लेता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है क्या बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी को हम एक और नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं भाई इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जानते हैं हाइड्रेटेड लाइम के नाम से अच्छा इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे तो इसको हम हाइड्रेटेड लाइम के नाम से तो जानते हैं लेकिन हम इसको एक और नाम से जानते हैं एंड दैट इज स्लैक्ड लाइम क्या बोलते हैं इसको स्लैक्ड लाइम अच्छा हम इसको एक और नाम से जानते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बहुत अच्छे युवराज जी इस रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रेशन किसी भी मटेरियल का जब पानी के साथ रिएक्शन होता है तो उसको हाइड्रेशन कहा जाता है ठीक है ना इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जे साहब एंड दैट इज मिल्क ऑफ लाइम क्योंकि ये बिल्कुल दूध के जैसा दिख रहा होता है पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद तो इसी स्लेक्ड लाइम को इसी हाइड्रेटेड लाइम को हम कॉस्टिक लाइम भी कहते हैं और इसी को हम मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं तो हमने कहा ठीक है भाई बढ़िया लग रहा है सुनने में तो मजा आ रहा है भाई ठीक है भाई तो मैंने कहा ये लाइम आता कहां से लाइम से आता है ठीक है ना कैल्शियम कार्बोनेट अब ये जो लाइमस्टोन है ये कई फॉर्म में अवेलेबल होता है जैसे कि टूफा जैसे कि बड़े बड़े लाइमस्टोन के पत्थर जैसे कि कंकड़ तो ये तीन अब एक सवाल एग्जाम के अंदर और पूछा गया कि टूफा क्या है है भाई ठीक ना प्योर लाइम का एक एग्जाम्पल दे दो चार ऑप्शन दिए गए थे उसमें एक टूफा भी दिया था बच्चे घूम गए क्या टूफा ठीक है ना तो इस ये टूफा इज नथिंग बट प्योर लाइम ठीक है ना इट इज वन वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम है? तो टूफा इसी को कहा जाता है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली टूफा लाइमस्टोन के बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स कंकर इनकी मदद से हम क्या करते हैं लाइम को करते हैं उनका कैल्सुलेशन करते हैं उससे क्विक लाइम ऑप्टेन करते हैं और उसी से हम अलग अलग टाइप के लाइम बनाते हैं अब इन पत्थरों के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ लाइम ही लाइम हो क्योंकि नेचुरली अकर हो रहे हैं इसकी वजह से इसमें और भी इंग्रीडियंट्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से इनकी अलग अलग प्योरिटी है अब किसी लाइम के अंदर ऐसा हो सकता है कि सत्तर ही लाइम हो तीस कुछ और ठीक है ना किसी लाइमस्टोन में हो लाइम स्टोन मेंसेंट लाइम हो दस परसेंट कुछ और हो तो इसीलिए अलग अलग टाइप के लाइम हो सकते हैं और अलग अलग टाइप के लाइम अलग अलग टाइप के लाइमस्टोन से मिल सकते हैं जैसे कि शेल समुद्र के अंदर आपने देखा होगा शेल मिलता है शेल ठीक है ना वो शेल क्या है लाइमस्टोन है कोरल समुद्र में मिलता है ठीक है ना क्या है लाइमस्टोन है चौक बचपन में ठीक है ना टीचर उससे लिखती थी, तो हम ये ना तो हम भी पहले चौक से लिखते थे, आप में जब स्कूल जाते थे तो क्या करते थे नहीं करते थे सच सच बोलना तो चौक क्या है ठीक है ना बेसिकली लाइम स्टोन है ऐसे कुछ और भी कैल्सियस जैसे कि मैंने आपको बड़े बड़े बोल्डर्स कहा टूफा बताए ये सब क्या है ठीक है ना इन्हीं से हम लाइम को क्या कर रहे हैं कर रहे हैं तो इसमें एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो प्योर लाइमस्टोन होता है वो कैसा होता है वो प्योर व्हाइट कलर का होता है जैसे उसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं इम्प्योर लाइमस्टोन का एक एग्जांपल दे दो तो इम्प्योर लाइमस्टोन का एक एग्जांपल हो सकता है कंकड़ ठीक है ना उसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है कंकड़ ठीक है इसमें एक सवाल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो है कि कोरल लाइम तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि प्योरेस्ट सोर्स लाइम की क्या हो सकती है तो प्योरेस्ट सोर्स अगर कोरल दिया हुआ है तो पहला आंसर वो होगा अगर कोरल नहीं दिया हुआ है तो फिर टूफा होगा ठीक है ना और अगर दोनों नहीं दिए हैं, तो फिर ऑप्शन देखना पड़ेगा कि क्या दिया है सही बात है इसीलिए आप सब कुछ सोचने की समझने की और सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई मैंने कहा चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो प्योर लाइमस्टोन जो है बेसिकली अगर मैं बात करता हूं उसके अंदर जो मिनरल आपको मिलता है वो कौन सा मिनरल होता है कैल्साइट मिनरल तो जो मार्बल है मार्बल इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन और वो ऐसे लाइमस्टोन से ज्यादा अच्छा फॉर्म होगा जिसके अंदर कैल्साइट मिनरल की प्रेजेंस जितनी ज्यादा होगी अब ये लाइमस्टोन और भी टाइप का हो सकता है जैसे कि डोलोमेटिक लाइमस्टोनोमेटिक लाइमस्टोन उनको बोलते हैं जिनके अंदर मैग्नेसाइट की प्रेजेंस आपको प्रेजन्ट मिलती है मतलब लाइमस्टोन और उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नीशिया भी है मैग्नेसाइट अब अगर आप डोलोमाइट स्टोन के ऊपर थोड़ी और चर्चा करते हैं तो इसमें लाइमस्टोन एक्चुअली में क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आपको मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कुछ मात्रा में मिल रहा है तो ऐसा लाइमस्टोन जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट की भी प्रेजेंस है ऐसे लाइमस्टोन को हम क्या बोलते हैं सभी लोग लिखकर बताएंगे ठीक है ना डोलोमे डोलोमाइट लाइमस्टोन या डोलोमेटिक लाइमस्टोन बोलते हैं ठीक है भाई तो मैंने कहा ठीक है मान लिया लेकिन उसके साथ साथ कंकड़ जो कि एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन है ठीक है ना इससे भी हम एक लाइमस्टोन ऑप्टेन कर सकते हैं और उसका क्या यूज हो सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं

मैग्नीशियम नाम में लिखा हुआ है मैग्नीशियम लाइम अगर एक ऐसा डोलोमाइट स्टोन जिसके अंदर मैग्नीशिया की प्रेजेंस पांच परसेंट से ज्यादा है तो वो डोलोमेटिक लाइमस्टोन ना रहकर वो मैग्नीश मैग्नी मैग्नीशियम लाइम स्टोन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा मैग्नीशियम लाइमस्टोन हो जाएगा अब यहां पर मैं बेसिकली वापस आ जाता हूं कि सबसे पहले तो मुझे समझना होगा कि मैं लाइम पढ़ क्यों रहा हूं देखिए शुरुआत पूरा पीछे चले जाते हैं सबसे पीछे चले जाते हैं ऐसा था कि जब मुझे कंस्ट्रक्शन की दुनिया में मैं घुसा ठीक है ना मतलब मैं नहीं मतलब एक जमाने पहले चले जाते हैं ठीक है ना तो उसके अंदर बेसिकली ये सिस्टम निकल के आया कि मैंने कहा कि कुछ ऐसा एक मटेरियल लाओ जिसके अंदर एक सीमेंटिंग एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी हो और मैं किसी एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे रोकने के लिए क्योंकि पहले ईंटे तो थी नहीं पत्थर ही थे तो एक पत्थर को एक पत्थर पे रोकने के लिए कोई मटीरियल लाओ जब रिसर्च हुई तो पता चला कि लाइम एक ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसके अंदर बाइंडिंग जैसी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन समय के साथ मुझे और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनाने तो मैंने उसी लाइम को ट्रांसफॉर्म करके क्या बना दिया सीमेंट बना दिया उसी सीमेंट के अंदर अगर आज आप देखते हैं तो सिक्सटी टू टू सिक्सटी क्या है लाइम है और वो लाइम कहां से मिला था लाइम से मिला था लाइम की अपनी प्रॉपर्टी ये थी कि उसकी प्लास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है और वर्केबिलिटी बहुत अच्छी होती है अगर आप सीमेंट से कंपेयर करते हैं तो सीमेंट की प्लास्टिसिटी लाइम के कंपेरिजन में कम होती है वर्केबिलिटी कि है और साथ के साथ लाइम की किस प्रोसेस से हुई है साथ के साथ अगर आप देखते हैं कि स्टिफनेस की बात करते हैं स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो सीमेंट में आपको ज्यादा मिलेगी लेकिन उतनी अच्छी लाइम में नहीं मिलेगी अगर आप रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर की बात करते हैं तो मॉइस्चर से लड़ने की जो क्षमता है वो सीमेंट की ज्यादा अच्छी मिलेगी इन कंपेरिजन टू लाइम अगर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहां पे एक्सिलेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है लेकिन इससे ज्यादा अच्छी आपको सीमेंट में मिलेगी और अगर श्रिंकेज श्रिंकेज की बात करते हैं तो श्रिंकेज आपको लाइम में ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यह पानी का लालची होता है यानी कि इट इज विग्रस इन नेचर जैसे ही पानी की प्रेजेंस में आता है तेजी के साथ पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे अभी अभी मैंने बताया है। क्या बना लेता है ठीक है ना क्या बना लेता है क्या बना लेता है ठीक है, है? है. ना तो मैंने कहा वॉल्यूम है? है।, है वो इंक्रीज कर जाता है और वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज दो से तीन गुना तक हो सकता है कितने गुना तक हो सकता है कि जितना भी उसका वॉल्यूम इनिशियली था उससे डबल या हो सकता है ट्रिपल हो जाए उसका वॉल्यूम तो ये चेंज मुझे एकदम से देखने को मिलता है और जैसे जैसे ये सूखेगा ठीक है ना तो इसके वॉल्यूम में फिर आपको चेंज देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा श्रिंकेज भी देखने को मिलेगा तो मैंने कहा चलिए ये प्रॉपर्टीज कुछ मिल रही है लेकिन जो लाइम है वो अलग अलग टाइप के होते हैं और उन अलग अलग टाइप के लाइम्स को हम उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बेसिकली मैं लाइम को तीन तरह से डिवाइड करता हूं पहला है पुअर लाइम दूसरा है हाइड्रोलिक लाइम और तीसरा है फैट लाइम इसी फैट लाइम को रिच लाइम या फिर हम प्योर लाइम भी कहते हैं और इसी प्यर लाइम को हम लीन लाइम के नाम से भी जानते हैं ठीक है भाई भाई सबसे पहले मैं आ जाता हूं लीन पे। भाई लीन पे की क्या प्रॉपर्टी है भाई समझना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि जो लीन लाइम है या फिर पुअर लाइम है इसकी प्योरिटी सत्तर परसेंट से कम होती है और जब जब मैंने कहा कि एक लाइमस्टोन था जिसमें सत्तर परसेंट मुझे क्या मिला लाइम मिला यानी कि उसकी प्योरिटी क्या हो गई सत्तर परसेंट यानी कि उसके अंदर इंप्योरिटी कितनी होगी यस yes. अगर प्योरिटी से से कम है, तो purity, 70 से कम है है तो प्योरिटी अगर तो इंप्योरिटी क्या होगी से ज्यादा होगी तो उसके अंदर इंप्योरिटी जो है क्ले के फॉर्म में अवेलेबल होती है इस तरह का जो लाइम है जो हमें सत्तर परसेंट से कम प्योरिटी वाला लाइम प्रोवाइड करता है दैट इज नोन एज डोलोमाइट स्टोन तो डोलोमाइट स्टोन क्या है एक तरह का लाइमस्टोन है जिसमें आपको लाइम की परसेंटेज सत्तर परसेंट से कम और इंप्योरिटीज की परसेंटेज तीस परसेंट से ज्यादा देखने को मिलती है अगर आप इससे लाइम ऑप्टेन करते हैं ठीक है ना तो आपको मडी वाइट कलर का मिलता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पदर्स नहीं करता लेकिन इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है इसीलिए जब यह पानी की प्रेजेंस में आता है तो बहुत तेजी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता ठीक है ना रिएक्ट करता है लेकिन स्लोली रिएक्ट करता है इसलिए इस प्रोसेस को जो पानी के साथ रिएक्शन है लाइम की इसको हम क्या कहते हैं बताइए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं प्लीज इस रिएक्शन को, को हम कहते हैं हाइड्रेशन और इसी हाइड्रेशन से बनता है हाइड्रेटेड लाइम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इसको हमने हाइड्रेटेड लाइम कहा था इसी को हम स्लेक्ड लाइम कह रहे थे इसीलिए इसी प्रोसेस को हम स्लेकिंग भी कहते हैं तो जब लाइम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो उसी को स्लेकिंग भी कहा जाता है तो स्लेकिंग जो है वो बहुत तेजी के साथ नहीं होती ठीक है ना इसीलिए इसका हाइड्रेशन स्लो होता है ठीक है ना अब स्लो हाइड्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एक्सपेंशन शो नहीं करता ठीक है ना इससे जो पानी का पेस्ट मतलब जो लाइम का पेस्ट बनता है ठीक है ना वो धीरे धीरे क्या हो जाता है सेट हो जाता है हार्ड हो जाता है ठीक है ना और आप उसका इस्तेमाल जो है फाउंडेशन लाइनिंग जैसी जगहों में कर सकते हैं क्योंकि फाउंडेशन लाइनिंग बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि हम क्या कर सकें जो साइड इंप्योरिटीज आ रही होंगी उससे बेसिकली उसकी जो रिएक्शन है वो हमारी कम हो जाए जब ये लाइम खुद ही कम रिएक्टिव है तो क्या तेजी के साथ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा तो हमने कहा कि चलिए ठीक है तो इसकी जो सेटिंग है इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं हमने कहा चलिए तो बहुत बढ़िया लग रहा है ठीक है अब उसी के साथ दू दूसरा लाइम हम लेके आए हमारे पास एक इंप्योर लाइम और भी था जिसका हमने एक एग्जांपल लिया था कंकड़ तो कंकड़ का जब हमने कैल्सुलेशन किया का क्या किया कैल्सिनेशन किया इसको भी हीट किया तो इससे भी हमें क्या मिलेगा लाइम मिलेगा इस लाइम की जो प्योरिटी थी वो करीब सत्तर से पिचानवे परसेंट थी तो पहले से क्या है प्योरिटी ज्यादा है इसलिए इंप्योरिटी की परसेंटेज जो है वो सिर्फ पांच से तीस परसेंट के बीच में रह गई तो एक सवाल इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया कि एक लाइम को आप अच्छा लाइम कब कहते हैं ठीक है ना तो एक लाइम को अच्छा लाइम तब कहा जाता है जब उसके अंदर इंप्योरिटी की परसेंटेज तीस परसेंट के बीच में होती है, है स्टेप स्टेप समझाने की, की अगर आप बात करते हैं तो इसका कलर जो होता है ऑफ वाइट कलर होता है ठीक है ना इसका कलर कैसा होता है ऑफ व्हाइट कलर अब मैंने इससे कहा कि इसको मैं गुड लाइम कह रहा हूं क्या कह रहा हूं गुड लाइम कह रहा हूं ठीक है अच्छा एक सवाल है मेरा आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा ठीक है कि ये सेशन जो है कई बार कहा जाता है कि शेयर कर दीजिएगा आप करते हैं शेयर कभी सच सच बताना हाँ या ना कोई पकड़ नहीं रहा है लेकिन जनरली मैं जानना चाहता हूँ करते हैं कभी अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे या समिंग कभी शेयर करते हैं ठीक है मे बी जितना मैं जानता हूँ ज़्यादातर बच्चे शायद नहीं भी करते हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इनको शेयर ज़रूर करें क्योंकि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते होंगे या जहाँ पे भी आप रहते होंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते होंगे तो जितनी ज़रूरत शायद आपको है उतनी ज़रूरत और भी बच्चों को होती होगी ठीक है ना सो डोंट देखिए मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ जैसे मेरे दोस्त हैं कॉलेज के में थे और मैं आज पढ़ा रहा हूँ बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं ठीक है ना मैं ज़िंदगी में ठीक ठाक कर ले रहा हूँ और लेकिन मेरा गोल है कि बहुत अच्छा करना है ठीक है तो मेरे दोस्त भी अच्छा कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोई आईटी में है कोई मैकेनिकल में, में है कोई एमबीए करके कहीं है तो आज हम लोग कहीं घूमने जाते हैं कुछ करने जाते हैं तो अच्छा लगता है एक आज दोस्त ऐसे भी है जो बहुत अच्छा नहीं भी कर पाए तो उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि दोस्त हैं उनको पता है कि यार शुभम के मन में ऐसा नहीं है ठीक है ना कुछ भी लेकिन उनको थोड़ा सा लगता है कि यार मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ और बाकी लोग इतना अच्छा कर रहे हैं तो एक जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो उनके अंदर एक इनफीरियॉरिटी होती है और मुझे लगता है कि शायद वो वो जो है वो आपके किसी भी दोस्त में नहीं आपको लगनी चाहिए और मुझे लगता है कि शायद आप भी अपने जीवन में यही चाहते होंगे कि आपके भी किसी दोस्त को कभी ऐसा ना महसूस हो कि यार हमारे बीच में कोई गैप है ठीक है ना जितनी गहरी दोस्ती होती है उतना गहरा मतलब कहीं जाए मजा आए बिल्कुल ऐसा टाइप होना चाहिए ना और वो तभी पॉसिबल है जितना कि मैं जान पा रहा हूँ जब हम सब लोग कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं ठीक है ना मेरे को जानकर अक्सर खुशी होती है जैसे पिछली बार चार बच्चे थे चारों बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे थे दो बच्चों का सी में हुआ दो बच्चों का बी में हुआ चारों बच्चे एक साथ पढ़ते थे और उन्होंने चारों ने एक साथ मुझे फ़ोन किया हालांकि मैंने उनका मैसेज यहाँ पे इसलिए डिस्प्ले नहीं किया चारों का क्योंकि उन चारों बच्चों ने मुझे जब फ़ोन किया तो मुझसे पैसे मांगे कि सर क्या कहते हैं हम आपके चैनल पे बोल देंगे कि हमने आपसे पढ़ा है अगर आप हमें इतने पैसे देंगे तो मैंने कहा भाई साहब मैं बहुत आधे से ज़्यादा तो फ्री में पढ़ाता हूँ और जितना पैसे लेके पढ़ाता भी हूँ तो उससे इतना नहीं है कि भाई साहब आपको जिसने भी सिखाया निकल लो बेटा इससे पहले ठीक है तो तो मैंने कहा पता नहीं कौन सिखा रहा है आपको ऐसी चीजें तो हम ये सब नहीं करते तो आ, तो मैंने इसलिए उनको डिस्प्ले नहीं किया उससे पिछले साल भी एनसीआरटीसी एक आ, आपने देखा होगा पेपर आता है तो एनसीआरटीसी में तीन बच्चों का एक साथ हुआ और एक बच्चे का किसी और एग्जाम में तो वो भी चार दोस्त थे अलाहाबाद में एक साथ रहते थे और पढ़ते थे अभी दिल्ली में तीनों दोस्त एक साथ रहते हैं यहाँ पे एनसीआर सी जो रैपिड रेल बन रही है दिल्ली से मेरिट की उसके अंदर वो एज इंजीनियर हैं तो मतलब जब वो एक अलग खुशी होती है जब आप कहीं जाएंगे कुछ करेंगे तो सारे दोस्त सा, तो एक साथ तो मतलब एक पावरफुल फील होगा आपको कि यार हम सब बैंकर बिल्कुल मतलब देखना वो दिन आप मेरे को याद करोगे कि शुभम सर ऐसा बोलते थे ठीक है ना I felt like that. तो आई फेल्ट लाइक दैट तो इसीलिए ठीक है आजकल तो जमाना टाइप का चल रहा है कि यूट्यूब पे हर कोई बोलता रहता है कि यार शेयर कर देना मेरा सेशन लाइक कर देना मेरा सेशन तो ये सब नौटंकी तो चलो चलती है उनके सेशन में लेकिन दिस इज अबाउट एजुकेशन ठीक है ना ये कोई क्या कॉमेडी शो नहीं है ये कोई ऐसा शो नहीं है सो आई वॉन्ट कि आप सभी लोग उस दिन के लिए जब हम सब लोग सक्सेसफुल हों सबको मिलने में मजा आए कहीं जाने में मजा आए एक अच्छी सोच के साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मैं शेयर कर दूंगा तो वो भी पढ़ लेगा और मैं कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाऊंगा तो छोटी सोच हमेशा इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती तो so, सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए ठीक है ना और आपको इस तरह से काम करना है कि आप तो जीवन में सक्सेसफुल हो लेकिन आपके इर्द गिर्द जो चार लोग हैं वो भी सक्सेसफुल होने चाहिए मतलब हो सकता है कि मैंने एक अच्छा मैसेज आपको देने की कोशिश भी की है और आपको इस पे काम करना चाहिए वरना मेरे को क्या जा रहा है कि मैं भयंकर रात को खड़े होकर चिल्ला रहा हूँ यहाँ पाँच सिलेक्शन लाने हैं और हमें ये करना है आप एक एक ले आओगे तो, तो बेसिकली अगर पाँच सिलेक्शन होंगे पाँच सौ जो ही एक साथ आएंगे क्या मज़ा आएगा शुभम अग्रवाल को ख़ुद को यार कि यार मेहनत करी और तुम्हें भी मज़ा आएगा कि हम एक साथ पाँच सौ सेलेक्ट हुए थे तो वो एक चीज़ है ठीक है ना तो फॉर फॉर दैट दैट डे वी हैव टू विजन आपका होना चाहिए उतना बड़ा सो आई वांट कि आप सभी लोग इस सेशन को शेयर भी करें और कोशिश करके लाइक करें ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और हम हर किसी को पढ़ा सकें जीवन में आगे बढ़ा सकें दैट्स ऑल फॉर द दी हम कोशिश करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास क्या है हाइड्रोलिक लाइम है ठीक है तो हाइड्रोलिक लाइम मुझे किससे मिला कंकड़ से मिला, कंकर से मिला. अब आपने देखा होगा कि मैं यहां पे इसको ब्रिक मैसनरी वर्क में इस्तेमाल करना चाह रहा हूं क्यों इस्तेमाल करना चाह रहा हूं क्योंकि हाइड्रोलिक लाइम एक ऐसा लाइम है जो आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ भी दे देता है ठीक है ना तो ये जो क्ले इंप्योरिटीज है ये क्ले इंप्योरिटीज इसके अंदर होने की वजह से इसको पानी में सेट में होने की प्रॉपर्टी मिल जाती है कि अगर इस तरह के लाइम को पानी की प्रेजेंस में इस्तेमाल किया जाए तो वहां पे भी अच्छा काम करता है ठीक है ना और उसके साथ साथ अच्छी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर देता है सीमेंट की जैसी नहीं लेकिन हाँ अच्छी कर देता है ब्रिक वर्क्स में, ना हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे कि अगर तो मैं वहां पे भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूं राइट है तो अगर मैं देखता हूं उसकी प्योरिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होने की वजह से ये पुअर लाइन के कंपेरिजन में तो जल्दी सिलेक्ट करता है फास्टर देन लीन लाइन लेकिन इसके पास एक एबिलिटी होती है कि ये पानी में भी सेट हो सके ठीक है तो ये ठीक है भाई मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी चीज है लेकिन ये भी तीन टाइप के होते हैं पहला है फीबली हाइड्रोलिक लाइन अब देखो मुझे पता है कि हाइड्रोलिक लाइन के अंदर क्ले की इंप्योरिटीज जो है पांच से तीस परसेंट के बीच में है अगर पांच से मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं अगर क्लेम प्योरिटीज पांच से दस परसेंट के बीच में है किसी हाइड्रोलिक लाइम में तो उसको पानी में सेट होने की यानी कि डैम्प प्लेसेस में सेट होने की प्रॉपर्टी उसके पास नहीं होती लेकिन अगर उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं क्ले की ठीक है ना जो क्लेम प्योरिटीज है वो दस से बीस के बीच में है तो उसको डैम्प प्लेसेज में सेट होने की जो प्रॉपर्टी है वो ऑप्टेन हो जाती है तो डैम्प डैम्प्लेज में जहां पर नमी है वहां पर भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और ऐसे को कहा जाता है मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम लेकिन अगर उसके अंदर क्लेम की जो परसेंटेज है बीस से तीस परसेंट तक हो जाती है तो फिर उसके पास एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी आ जाती है कि आप उसको डैम प्लेसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्ट्रक्चरल के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसीलिए मैंने बोला कि आप इसका इस्तेमाल डैम प्लेसेस में कर पाएंगे और दूसरा मैशनरी मोटार यानी कि ब्रिक मैशनरी वर्क करना है स्टोन मैशनरी वर्क करना है या स्ट्रक्चरल पर्पज हो गया ना बेसिकली तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो eminently, hydraulic lime, एक कितनी परसेंट होती है बीस से तीस परसेंट के बीच में होती है चलिए यह भी अच्छा है अब उसके बाद जो तीसरा टाइप का फाइनल टाइप का जो लाइम है lime, इसकी का जो लेवल है पिचानवे से ज्यादा है अब अगर प्योरिटी पिचानवे से ज्यादा है तो इंप्योरिटी कितनी होगी अगर प्योरिटी पिचानवे परसेंट से ज्यादा है तो इंप्योरिटी कितनी होगी इंप्योरिटी हो जाएगी पांच परसेंट से कम अब कम होने की वजह से यह जब पानी के साथ रिएक्ट करता है ठीक है ना तो बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है ठीक है ना और बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करके अपने वॉल्यूम को दो से तीन गुना जो बढ़ा पा रहा था वो यही फैट लाइम है इसलिए इसको फैट बोला क्योंकि फैल जाता है ठीक है ना इसको प्यार से हम रिच लाइम भी बोल देते हैं इसको प्यार से हम लोग फैट लाइम की लगा जगह प्योर लाइम भी बोल देते हैं क्योंकि इसका जो व्हाइट है वो प्योर व्हाइट कलर होता है इसका जो कलर है प्योर वाइट इसीलिए जैसे कि हमें पता है कि अगर मुझे दीवार पे वाइट वॉशिंग करनी है कलर वॉशिंग करनी है तो वहां पे मुझे एक ऐसा लाइम चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा फैल जाए अब भैया इसका नाम ही फैल है फैट लाइन फैल जाए जो ठीक है ना तो ये ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैल जाता है इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक है इसको ऑप्टेन करने के लिए हम शीशेल्स का इस्तेमाल करते हैं तो जब ये पानी की प्रेजेंस में आता है बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है ठीक है ना और विग्रसली रिएक्शन होने की वजह से आप कह सकते हैं कि स्लेकिंग इज स्लेक्स वॉल्यूम दो से तीन गुना बढ़ जाता है ठीक है ना और इसको पानी में आप इस, मतलब जहां पे पे भी डैम प्लेसेस है वहां पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलती तो व्हाइट वॉशिंग करने का मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रेंथ चाहिए व्हाइट वॉशिंग से आपको क्या चाहिए एस्थेटिक अपीयरेंस चाहिए तो जहां जहां पे एस्थेटिक अपीयरेंस की जरूरत है आप वहां पे इसका इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं राइट है चलिए बहुत अच्छे सबको क्लियर है तो क्लियर जरूर लिख टॉपिक है ना है ग्लास। ग्लास अच्छा अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ग्लास क्या है देखिए ग्लास बेसिकली एक सब्सटेंस है यानी कि जिसका कोई फिक्स एंड साइज नहीं होता है लेकिन ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि आप देखेंगे हार्ड है ब्रिटिल है और ट्रांसपेरेंट भी होता है आप देखेंगे तो मेरे पीछे यहां पर एक ग्लास चल रहा है ये देखिए ठीक है ना और जब इसके ऊपर ग्लास चल रहा है तो उसके पीछे जो लिखा हुआ है क्या आपको नजर आ रहा है ठीक है ना नजर आ रहा है क्यों नजर आ रहा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है हालांकि अगर आपको यकीन नहीं होता कि ये ब्रिटिल है तो अपने फोन में जो स्क्रीन है वो भी शीशे की है उसको तोड़कर देखो ठीक है ना एकदम से टूट जाएगी आपको महसूस होगा कि हाँ ब्रिटिल तो है एकदम से टूट जाती है ठीक है ना और साथ के साथ जो है ये हार्ड भी होता है तो हार्ड भी है लेकिन बस दिक्कत की बात है कि ब्रिटेल है और थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है ठीक है अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि जो मोस्ट कॉमनली हम इसका इस्तेमाल करते हैं आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में ग्लास लगाया आपके स्क्रीन मतलब जो मोबाइल है उसमें ग्लास लगाया दरवाजे में ग्लास खिड़की में ग्लास ठीक है ना दुनिया भर की जगहों में आपने ग्लास इस्तेमाल किया हुआ है तो ग्लास कोई एक टाइप के नहीं है बसेरे टाइप के हैं शीट ग्लास प्लेट ग्लास लेमिनेटेड ग्लास हीट एब्जॉर्बिंग ग्लास ऑप्टिकल ग्लास आप मोबाइल में लगवाने जाते हैं, screen card, screen card लगवाने जाते जाते हैं 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 स्क्रीन स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास कहते आप उसको लगवा दूंगा मैं ठीक है ना फाइबर ग्लास ठीक है ना एनिमल ग्लास क्राउन ग्लास प्रिक्स ग्लास ठीक है ना इसके अलावा आप कह सकते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास सोडा लाइन ग्लास लाइम ग्लास ठीक है ना बोरोसिलिकेट ग्लास बहुत टाइप के ग्लास हैं तो हम कोशिश करेंगे इनको जानने की देखो बेसिकली ग्लास जो है ठीक है ना ये बेसिकली क्या है सिलिकेट बेस्ड है ठीक है ना लाइम तो तो एंड होती है लेकिन उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी मिलती है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी लगभग सात से हजार न्यूटन पर एम स्क्वायर के बीच में मिल जाती है लेकिन वहीं पर अगर आप इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो तीस से साठ न्यूटन स्क्वायर के आसपास बैठेगी

तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक्चुअली में क्या लगा हुआ है फाइबर ग्लास है वो एक तरह का एक तरह की फाइबर है प्योर ग्लास नहीं है वो ठीक है ना उसको कैसे किया है वो बेसिकली अभी मैं भी नहीं जानता हूं लेकिन चलिए ठीक है अब इसके अंदर जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो 2023 का पेपर हुआ था ठीक है ना वो उसमें कई सारे सवाल पूछे गए हैं ग्लास से और जितनी चीजें मैंने पढ़ाई थी बच्चों को सारी एग्जाम के अंदर एज इट एज छपके आई है अब जो नहीं पड़ रहा है खैर उसका नुकसान है ठीक है तो दूसरी बात यह है कि जो रॉ मटीरियल आपको खास बात इसके अंदर देखने को मिलेंगे पहला है सिलिका ठीक है ना दूसरा है लाइम और तीसरा है सोडा या फिर पोटैश इंग्रेडिएंट्स को लेकर करीब हजार डिग्री सेल्सियस पे फ्यूज करते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट मटेरियल ऑप्टेन होता है जिसको हम ग्लास कहते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर क्योंकि हजार डिग्री सेल्सियस पे ले गए हैं और अगर इसी ग्लास को ध्यान दीजिएगा Osionfish. इसी ग्लास के अंदर अगर मैं कुछ इंग्रेडिएंट जैसे कि आयरन ऑक्साइड जैसे कि लेड ऑक्साइड जैसे कि बोरेक्स मिला देता हूं तो देखो इसके अंदर ब्रिलियंस आ जा रहा है क्या जा रहा है? आ जा रहा है ब्रिलियंस आ जा रहा है है ठीक ना तो ये ब्रिलियंस आपको देखने को मिलता है किन की वजहों से आयरन ऑक्साइड ठीक है ना लेड ऑक्साइड बोरेक्स की वजह से इसमें कुछ ब्रिलियंस आपको देखने को मिलेगा कुछ कलर इनका एनहांस हो जाता है लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज ने ये इंग्रेडिएंट पे तो सवाल पूछे ही पूछे उन्होंने ये पूछा कि बताइए अगर मैं इसके अंदर सिलिका जो है ठीक है ना वो यूज करता हूं तो सिलिका मुझे कहां से मिलता है ये सिलिका मुझे पत्थरों में 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 से से प्योर के फॉर्म मिल मिल सकता सकता है है ये ये मुझे मुझे सैंडस्टोन छोटे छोटे फ्लिंट्स के पत्थर होते हैं उनमें से मिल सकता है ठीक है ना इसका बेसिक अगर आप देखेंगे सिलिका का जो मेजर काम है वो ये क्या करता है ये बेसिकली हाई टेम्परेचर पर अगर ले जाए ठीक है तो मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद अगर इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस थोड़ी सी कम हो तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्लास निकालकर हमको देता है तो अगर ग्लास का जो फ्यूजन है अगर आप देखते हैं तो वो 800 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो जाता है उसकी फॉर्मेशन लगभग कितने पे होती है लगभग हजार डिग्री सेल्सियस पे अब अलग अलग टाइप के ग्लास की अलग अलग टेम्परेचर पे हो सकती है लेकिन अगर आपसे जनरल रेंज पूछी जाती है तो आप क्या कह सकते हैं ठीक है एक हजार ठीक है ना तो एक हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं और 800 से हजार की डिग्री सेल्सियस पे फॉर्मेशन शुरू हो जाती है लेकिन इसको बहुत ज्यादा बड़े टेम्परेचर पे ले जाए सत्रह सो डिग्री सेल्सियस पे तो ये वहां पर जाके मेल्ट भी हो जाता है तो जैसे कि अगर आप एक ग्लास को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें तो इसको डिस्ट्रॉय करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उसको लगभग सत्रह डिग्री सेल्सियस पर ले जाओ वो मेल्ट होकर खत्म हो जाएगा ठीक है तो भाई मैंने कहा ये भी बढ़िया है दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो मेरे पास क्या है लाइम है और इससे सवाल इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा भी गया था कि जो लाइम है वो बेसिकली एक ग्लास के अंदर क्या इंड्यूस करता है ठीक है ना फ्लूडिटी भाई जो ग्लास है अगर आप उसको मेल्ट कर देते हैं तो वो की तरह बिहेव करने लगता है खास बात यह है कि ग्लास काफी लंबे समय तक चलता है आपके पास हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसी चीज हो जो कांच की बनी हो आठ दस साल से हो तो ड्यूरेबल है लंबे समय से चल रही है और टफ भी है इसमें खास बात यह है कि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम अवेलेबल होगा जिससे आप ग्लास बना रहे हैं उसमें एक्सेस अमाउंट में लाइम अगर आप अवेलेबल करा देते हैं तो वो ग्लास को फेब्रिकेट करते समय मेल्ट कर देता है और मेल्ट करने की वजह से ही इसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज आती हैं जैसे कि अगर आप लाइम को ऐड कर देते हैं ग्लास के अंदर तो वो उसके अंदर क्या दे देता है फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी और उस फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी आप जैसे मान लेते हैं कांच की बोटल बनानी थी मेरे को फॉर एग्जाम्पल तो कांच की बोटल कभी आपने सोचा है कैसे बनी होगी कि भाई एक ऐसा सांचा होगा बोटल के जैसा और इसके ऊपर हमने क्या किया होगा लिक्विड ग्लास को डाल दिया होगा और स्पिन कर रहे होंगे स्पिन कर -कर, 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 कर कर उसको पतला करके इसी के ऊपर क्या कर देते हैं एक लेयर बन जाती है और फिर खोल कर इसको हटा देते हैं बन गई बॉटल कांच की ठीक का है ना तो स्पिनिंग के मेथड से बनती है जो गोल गोल कांच बन के आते हैं ठीक है ना कुछ जहां पे शीट्स होती है उनको प्रेस किया जाता है मोल्टन ग्लास को अभी दिखाऊंगा अभी ठीक है ना कुछ कहीं 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 पे रोलिंग किया जाता है उनको रोल करके उसका रॉड बनाया जाता है ठीक है ना ड्रॉ किया जाता है उसको खींच कर उसका तार बनाया जाता है पतला पतला फाइबर्स बनाए जाते हैं ब्लो किया जाता है हथौड़े से मार मार के उसको पिचका कर उसको फैलाया जाता है ठीक है ना तो ये सारी प्रॉपर्टीज तभी हो सकती हैं एक ग्लास के अंदर जब उसके अंदर लाइम की प्रेजेंस हो क्योंकि लाइम ही है जो उसको फ्लूडिटी देता है अब ध्यान देने की बात यह है कि तीसरा इन्ग्रीडियंट है सोडा सोडा जो है ये बेसिकली ग्लास के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि सिलिका था लाइम था पोटैश है इन सबको फ्यूज कराने में एक दूसरे के साथ मिक्स होकर एक इंग्रेडिएंट होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में मदद करता है और इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक सवाल ये भी पूछा गया कि बताइए पोटैश का, का काम क्या होता है तो पोटैश इसको फायर रेजिस्टेंट बनाने में मदद करता है

पंद्रह से तीस परसेंट की मात्रा में इसको लाइन की जगह पर इस्तेमाल कर लेता हूं तो पहली बात वो उसमें क्या कर देता उसकी वर्केबिलिटी बढ़ा देता जैसे आप मेरे को इसका ऐसे शीशा बनाना था तो मेरे पास लिक्विड ग्लास तैयार किया होगा पहले मैंने अब उस लिक्विड ग्लास से मेरे को शीशा बनाने में पहले बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही थी अब कंपैरेटिवली कम होगी ठीक है ना क्योंकि लेड ऑक्साइड क्या करेगा लेड ऑक्साइड बेसिकली उसको थोड़ा सा मेल्ट करा देगा और जब वो कम टेम्परेचर पे मेल्ट होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वर्कबिलिटी बढ़ जाएगी दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से लेकिन एक दिक्कत भी होती है कि लेड ऑक्साइड अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में आप अवेलेबल करा दें तो वो जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है कांच की वो कम कर देता है तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी कम हो जाए और दूसरा ये ग्लास को और ज्यादा ब्रिटिल भी बनाता है तो भाई मैं ये भी नहीं चाहता तो इसलिए हम लेड ऑक्साइड की जो प्रेजेंस है वो एक कांच के अंदर काफी कंट्रोल करके चलते हैं ठीक है भाई ऐसा कर लेंगे ठीक है ना उसके साथ साथ होने की वजह से ठीक है ना अब मैं इसको क्या कर रहा हूं अलग अलग तरीके से बांट रहा हूं तो इसको बेसिकली तीन तरह से बांटा जाता है एक है सोडा लाइम ग्लास एक है लेड ग्लास और तीसरा है बोरोसिलिकेट ग्लास अब देखिए इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले मैं सोडा लाइम ग्लास पे आ जाऊं

इससे एक सॉफ्ट ग्लास की जनरेशन हम कर लेंगे ठीक है ना इससे अगर हम इसके अंदर एलुमिना और मैग्नाइड ठीक है ना एलुमिना और मैग्नीशिया जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशिया इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर कर देते हैं ठीक है है ना तो इससे जो ग्लास ग्लास बनता है, मैं उसे क्राउन कहता हूं क्या कहता हूं और यह भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जा चुका है पहले ठीक है तो भाई मैं यहां पे अगर बात करता हूं तो एलुमिना और मैग्नीशिया की एडिशन से इसकी क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सकता है जो कि एक सॉफ्ट ग्लास है

ठीक है ना इसको कई नामों से जाना जाता है उसके बाद जो दूसरा आ, हमारे पास एक ग्लास हो सकता है वो कौन सा ग्लास है ठीक है ना वो है हमारे पास बोरोसिलिकेट ग्लास चलो दूसरा लेड ग्लास बता देते हैं पहले बोरोसिलिकेट दूसरा बता देंगे इस लेड ग्लास को हम फ्लिंट ग्लास के नाम से जानते हैं ठीक है ना फ्लिंट ग्लास क्या है अब इसके अंदर देखो पहले हमारे पास लाइम और सिलिका था इस बार हमारे पास लाइम नहीं है इस बार हमें लेड है हमारे पास ठीक है इसलिए मैंने इसको लेड ग्लास कह दिया पिछली बार मैं सोडा लाइम ग्लास कह रहा था क्योंकि लाइम था इस बार लेड है तो लेड ग्लास कह दिया तो सिलिका लेड ले पोटैश, पोटैश इसको फायर रेजिस्टेंट भी बनाता है इसलिए ज्यादा टेम्परेचर रेजिस्ट कर पाता है और टेम्परेचर से बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं होता ठीक है ना लेड इसके अंदर ब्रिलियंस ले आता है, इसलिए इसके अंदर शाइनिंग भी होती है। और इस पर आप पॉलिश वॉलिश करके इसको थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं थोड़ा कलरलेस होता है ठीक है तो अब इसके अंदर अगर इंप्योरिटीज जैसे कि आयरन की जैसी इंप्योरिटीज ना हो तो ये और अच्छी क्वालिटी का निकल के आएगा इसका इस्तेमाल अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखे होंगे उसमें इसी का इस्तेमाल किया जाता है आपने चश्मा बनवाया होगा उसमें कांच हो हो तो जो ग्लास लगा है, वो कौन सा है? फ्लिंट ग्लास है। अच्छा और कोई न, औ, और कोई भी लगता है लेड ग्लास के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके आपके लेड ग्लास के या फिर फ्लिंट ग्लास के कई कई जगहों पर हम इसको थोड़ा सा डेकोरेशन वर्क के परपज से भी इस्तेमाल करते हैं ठीक है अब मेरे पास जो एक तीसरा टाइप का जो ग्लास है दैट इज बोरोसिलिकेट ग्लास एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये गलत लिखा हुआ है क्राउन ग्लास ठीक है ना सो तो बोरोसिलिकेट ग्लास को हम प्रिक्स ग्लास के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं ग्लास के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर बोरो, बोरेक्स का है सिलिकेट मतलब सिलिका का इस्तेमाल हुआ है, लाइम का हुआ और का हुआ है। ना इसकी वजह से तो, है, बोरेक्स है, लाइम है बोरेक्स की वजह से काफी हद तक हीट को रेजिस्ट कर पाता है ज्यादा टेम्परेचर को रेजिस्ट कर पाता है इसीलिए अगर आपको किसी ऐसी जगह इस्तेमाल करना हो जैसे कि लैब में आपके पास केमिकल्स होते हैं ठीक है ना तो लैब में आप जाते होंगे जब बहुत सारे इक्विपमेंट आपने लैब में तोड़े भी होंगे बचपन में क्योंकि आप काफी शैतान भी रहे हैं ठीक है ना तो आपने बेसिकली ये किया होगा कि एक आध फनल तो पक्का तोड़ा होगा ठीक है ना तो एक आध जो तोड़ा था वो उसका जो ग्लास था वो किसका बना था बोरोसिलिकेट का बना था ठीक है ना आपने देखा होगा कई सारे आजकल कांच के बर्तन आते हैं जिसको आप गैस पर रख लेते हैं बढ़िया खाना बना रहे हैं ठीक है ना तो वो कांच के जो बर्तन है वो किसके बने हैं बोरोसिलिकेट के बने हैं आजकल एक कंपनी आ रही है जिसके जिसका नाम भी शायद ऐसी कुछ है बोरोसिलिका टाइप ऐसी कुछ नाम है उसका तो उन्होंने क्या करा कांच के बर्तन बनाने लगे बोरोसिलिकेट ग्लास के बनाए तो उसका नाम भी जो कंपनी का था वो भी ऐसी कुछ रख दिया था ठीक है ना तो मैंने कहा ये देखो कितना तगड़ा काम किया उन्होंने तो बोरोसिलिकेट ग्लास इसको हम प्रिक्स ग्लास के नाम से भी जानते हैं सही बात है चलिए ये भी एक बहुत अच्छी चीज है तो ये तीनों टाइप के जो ग्लास हैं ये बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य टाइप के ग्लासेस हैं जैसे कि आपने देखा होगा मोदी जी जब भाषण देते तो आगे से ग्लास लगा रहता है ठीक है ना कौन सा होता है वो बुलेट प्रूफ ग्लास होता है ठीक है ना तो बुलेट प्रूफ ग्लास कैसा होता है एक तरह का आप कह सकते हैं ग्लास होता है तो ये जो लेनेटेड ग्लास है वही नथिंग बट इसका एक टाइप है बुलेट प्रूफ ग्लास ठीक है ना आपने देखा होगा कांच की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और कांच की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लगाने पर अंदर तो गर्मी हो जानी चाहिए बहुत लेकिन उसके बावजूद भी नहीं होती है तो उसमें कांच की बिल्डिंग में एक हीट रेजिस्टिंग

ठीक है ना और उसकी शीट क्योंकि अगर आप देखें तो एक कांच बनाए अगर उस कांच को देखें तो वो क्या एक तरह की शीटी है। तो तो है है ठीक ना जो ग्लेजिंग डोर्स हैं डोर में जो आपने दरवाजा इस्तेमाल किया है तो आप कह रहे थे वो सोडा लाइम ग्लास है तो सोडा लाइम ग्लास ही नथिंग बट क्या है शीट ग्लास है सोडा लाइम ग्लास ही क्या है शीट ग्लास है? है तो जो खिड़की में दरवाजों में जो ग्लास इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है वो सोडा लाइम ग्लास है सभी लोग लिख कर बता सकते हैं इसकी जनरली थिकनेस जो है दो से साढ़े छह एम एम के बीच में लगभग होती है ठीक है ना उसके बाद अगर मैं आता हूं तो दूसरा टाइप का ग्लास है प्लेट ग्लास इसमें हमने क्या किया है इसको कांच को लेकर इसको एक पतली सी रोलिंग के बीच में से निकाला जिसकी वजह से ये देखो एक्चुअली मैंने उल्टी तरफ से चला दिया पेन ठीक है ना ये बहुत सारा कांच था इसको धीरे धीरे कम करते गए कम करते गए उसके बीच में से निकालो तो एक शीट की तरह निकल रहा है ठीक है ना एक शीट की तरह निकल रहा है तो पतली प्लेट प्लेट सी बना दी हमने ठीक है तो हमने जब क्या किया ठीक है ना एक सुपीरियर क्वालिटी का ग्लास मुझे बनाना था ताकि मैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकूं किसके लिए इस्तेमाल कर सकूं इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल कर सकूं तो इसके लिए मैंने क्या किया ठीक है ना इसको एक पतली सी लेयर में कन्वर्ट कर दिया एक प्लेट की तरह कन्वर्ट कर दिया ठीक है और इसको प्लेट की तरह कन्वर्ट करने के लिए इसको दो स्पिनिंग व्हील्स के बीच में से गुजारा ठीक है ना और इसको एक पतली प्लेट में कन्वर्ट कर दिया अब इसका इस्तेमाल जो है आपने देखा होगा कैबिनेट वगैरह लगे होते हैं दुकान में आप जाते हैं इस तरह के कैबिनेट लगे हुए हो देखे होंगे काउंटर्स लगे देखे होंगे ठीक है ना इस तरह के शॉप में आगे से कांच की ग्लास लगे हुए हो देखे होंगे ये सब क्या है ये सब प्लेट ग्लास के बने हैं आपकी कार के आगे विंड स्क्रीन होगी ये सब क्या है प्लेट ग्लास है ठीक है तो आपसे अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप इसका जवाब इजिली दे सकते हैं राइट है जय साहब सबको यहां तक क्लियर है आई होप सबको मजा आ रहा होगा पढ़ने में मुझे लगता है कि मैं काफी आसान चीजें आप लोगों के लिए बना दी हैं, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी शायद मैंने बहुत कोशिश करके इनको आसान बनाने की कोशिश की है आ, पता नहीं आपको ऐसा लगता है नहीं लगता है बट आ, मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत आसान बना है ठीक है ना अगर लगता है तो हार्ड साइन के साथ बताएंगे गाइज हार्ड साइन के साथ बताएंगे ये yes, वन यार तुम यार बिल्कुल थके थके से लग रहे हो यार परेशान मेरे भैया परेशान मत हो जीवन में खुश रहो यार और इंजीनियर से ज्यादा तो खुश किसी को होना ही नहीं चाहिए और उसमें भी सिविल इंजीनियर को मैं मानता हूँ कि यार पढ़ना पड़ता है मेहनत होती है लेकिन ठीक है यार आगे चल के जब तुम जयी बन जाओगे ना सिविल के तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी कीमत क्या है ठीक है ना इंडिया के अंदर सरकारी नौकरी का मतलब सिविल इंजीनियरिंग होता है ये बात हमेशा ध्यान रखना ठीक है ना अपने अंदर के जेई को जगाओ भाई अपने अंदर के जेई को जगाना पड़ेगा तभी ये एग्जाम देने के लिए तैयार होगा इसका मन विचलित रहता है कहता है कि यहाँ कर लू ये कर लू वो कर लू नहीं करूं होगा नहीं होगा इसको समझाना पड़ेगा कि नहीं बेटा होगा ठीक है चलिए चलिए बहुत अच्छे तो कोशिश करते हैं थोड़ा और थोड़ा की। ठीक है? तीसरा टाइप का जो आपने अपने में करके लगाया है आज तक, आपने ग्लास की फॉर्मेशन हुई उस ग्लास को दोबारा से एकदम से रीहीट कर दिया और सडनली कूल डाउन कर दिया ठीक है ना तो रीहीटिंग एंड सडनली कूल डाउनिंग की वजह से उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है ठीक है ना और वो आसानी से ब्रेक नहीं होता तो जो प्लेट ग्लास था आपके पास जो कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे थे कैबिनेट बनाने के लिए दरवाजे में यहां पर वहां पर अब उससे भी पांच गुना स्ट्रॉन्ग बन जाता है ये ग्लास और खास बात आप देखिए आपका मोबाइल गिर जाता तब भी स्क्रीन नहीं टूटता क्यों क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह का डायरेक्ट या बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है तो उसको रेजिस्ट करने में ये ज्यादा सक्षम होता है क्या कैसा होता है ज्यादा सक्षम होता है इसीलिए टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल अगर आप देखेंगे तो जो स्लाइडिंग डोर्स हैं आपने देखा होगा कई सारी बिल्डिंग्स में लगे होते हैं ठीक है ना आप देखेंगे बहुत सारे स्टेडियम वगैरह में मैच वैच देखने के शौकीन होंगे तो वहां पे कांच के जो, जो कांच लगे होते हैं वो सब टेम्पर्ड ग्लास होता है मोबाइल इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आज की डेट में तो वैसे ठीक है ना टेम्पर्ड ग्लास तीसरा है लेमिनेटेड ग्लास जिसको सेफ्टी ग्लास भी कहते हैं इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं जैसे एक ग्लास की लेयर है एक और ग्लास की लेयर है इसके बीच में मैं एक पॉलीविनाइल की हम क्या डाल देते हैं लेयर एक तरह का पॉलीविनाइल एक एक तरह तरह का का प्लास्टिक है एक तरह का फाइबर है ठीक है ना तो जब मैंने एक ग्लास की शीट लगाई, की शीट लगाई लगाई एक, एक, एक पॉलीविनाइल की फिर एक ग्लास की फिर एक पॉलीविनाइल की फिर एक ग्लास की फिर एक पॉलीविनाइल की मल्टी लेयरिंग कर देता हूं जिसकी वजह से यह एक लेनेटेड सेफ्टी ग्लास की तरह काम करता है और ये तीन तरह के ग्लासेस में कन्वर्ट किया जा सकता है एक है हीट प्रूफ ग्लास एक है साउंड प्रूफ ग्लास एक है बुलेट प्रूफ ग्लास और अब धीरे धीरे बुलेट निकलने जा रही है रेडी हो जाओ जय साहब अभी गोली लगने वाली है चिंता मत करो देखो सबसे पहले हीट प्रूफ ग्लास हीट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए मैंने क्या किया मैंने ये काम किया कि एक ग्लास की लेयर ली और उसको सैंडविच कर दिया टिंटेड प्लास्टिक के साथ ठीक है ना ग्लास की लेयर ली उसके बीच में टिंटेड प्लास्टिक डाल दिया ठीक है ना और फिर एक ग्लास लगा दी तो मल्टी लेयर किसकी करी मैंने टिंटेड प्लास्टिक की करी जिसकी मदद से यह हुआ कि अगर अब ये कांच की बिल्डिंग है और बाहर से हीट आती है सन तो से तो इससे टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी रादर देन अंदर जाने के ठीक है ना तो ये उसको क्या कर देता है रेजिस्ट कर देता है तो जो रोशनी है ठीक है ना उसको भी रिफ्लेक्ट कर देता है और हीट को भी रिफ्लेक्ट कर देता है तो जो आपने देखा होगा बिल्डिंग के बाहर खड़े हो तो बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग रिफ्लेक्शन बड़ी खूबसूरत सी लगती है क्यों लग रही है क्योंकि भाई साहब उसमें टेंटेड प्लास्टिक पड़ा हुआ है भाई अंदर क्या पड़ा हुआ है लिखकर बताएंगे टेंटेड प्लास्टिक पड़ा हुआ है ठीक है है अच्छा उसके बाद मैंने कहा कि जो प्लास्टिक की जो लेयर है, इसको कुछ हद तक का काम भी कर रही है लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली गोली खाने से बचना है किससे बचना है ठीक है ना दोस्त को दिखाइए अपने भाई भाई के घर में कि अगर गोली खाने से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक ग्लास की लेयर दूसरी ग्लास की लेयर इसके बीच में डालना पड़ेगा विनाइल प्लास्टिक क्या डालना पड़ेगा विनाइल प्लास्टिक डालना पड़ेगा ठीक है ना तो विनाइल प्लास्टिक डाल दिया इससे क्या होगा कि अब ये अगर कोई इंपैक्ट इसके ऊपर आता है जैसे कि एक बुलेट का इंपैक्ट उसको क्या कर लेता है उसको हैंडल कर लेता है उसको रेजिस्ट कर लेता है जैसे कि बैंक में ज्वेलरी स्टोर्स में मोदी जी के भाषण में ठीक है ना हर जगहों पर इस तरह के ग्लास का इस्तेमाल

तीसरा टाइप का इंसुलेटिंग ग्लास इंसुलेटिंग ग्लास बेसिकली हम इसलिए चाहते हैं कि एक तरह का इंसुलेशन हो जाए ठीक है ना कि भाई बहुत जो आवाज है वो ट्रेवल ना कर पाए ठीक है ना उसके लिए मैं क्या करता हूं इसके बीच में डिहाइड्रेटेड क्या डाल देता हूं एयर

अंदर अंदर गर्मी लगेगी ऐसा नहीं है कि बाहर बिल्कुल 40 डिग्री हो रहा है अंदर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। लेकिन यह है कि हाँ वो टेम्परेचर को रेजिस्ट करके थोड़ा सा हीट को रिफ्लेक्ट करके रिड्यूस करके टेम्परेचर को बीस पच्चीस के आसपास ले आएगी कि अंदर आपको टेम्परेचर कम महसूस होगा ठीक है ना चलिए बहुत अच्छे अब उसके बाद हीट रेजिस्टिंग ग्लास जो है ठीक है ना इसका जनरली कलर अगर आप देखेंगे आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में इसलिए मैंने ऐड कर दिया ब्लूइश ग्रीन कलर होता है ठीक है ना और ये अल्ट्राइलेट रेज ऑफ द सन जो आपको गर्मी लगती है ना जब तो आप धूप में जाते हैं तो वो किसकी वजह से लगती है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से लगती है तो उसको रिफ्लेक्ट करने का बेसिकली काम करता है तो रेलवे स्टेशन हो गए बिल्डिंग्स हो गई हॉस्पिटल्स हो गए किचन हो गई यहां पे जो ग्लास लगाया जाता है कई बार सोचते होंगे कि सारे कांच तो एक जैसे होते हैं जो चेहरा देखने के लिए कांच लाता हूँ ये सलाह बीस रुपए का मिल जाता है वहां से लाता हूँ तो वो पचास रुपए का मिलता है उसकी दुकान में जाता हूं तो वहां वो कह रहा है ये तो मैंने दो हजार रुपए खरीदा वहां जाता हूं तो कहते हैं अरे ये तो दस हजार रुपए का कांच का शीशा लगेगा तो भाई अलग अलग टाइप का ग्लास है उसकी मैगनुफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है उसके अंदर मटीरियल्स अलग अलग किए गए हैं उसमें लेयरिंग्स अलग अलग टाइप की है तो इसलिए ये अलग अलग टाइप का ही अवेलेबल भी होता है राइट है चलिए बहुत अच्छे अब मैं आ जाता हूं लास्ट टाइप के ग्लास पे एंड दैट इज एने ग्लास that is enamel glass enamel glass नाम में कुछ लिखा हुआ है ठीक है ना ये एक ऑर्डिनरी ग्लास है और इस ऑर्डिनरी ग्लास के अंदर अगर मैं कैल्सेन्ड लेड को और टिन ऑक्साइड को ऐड कर दूं ठीक है ना जैसे कि मैंने 10 पार्ट सैंड के डाले ठीक है ना 20 पार्ट लेड का डाला और टिन ऑक्साइड का और 8 पार्ट पोटाश का डाला ठीक है तो लेड और ऑक्साइड इसके अंदर ऐड कर दिया अब एनमल ग्लास से ये फायदा होगा कि भाई वो पर्टिकुलरली ज्यादा रेजिस्ट कर पाएगा किस चीज को रेजिस्ट कर पाएगा ठीक है ना जैसे कि अगर आप देखेंगे इसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ आपको दे देता है क्या दे देता है एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ से मैं इनेमल ग्लास का इस्तेमाल करता हूं ठीक है भाई उसके बाद जो लास्ट टाइप का ग्लास है दैट इज ऑप्टिकल ग्लास ऑप्टिकल ग्लास कौन सा था जी ऑप्टिकल ग्लास कौन सा था जी लेड ग्लास था कौन सा था जी लेड ग्लास था ठीक है तो देखो इसके अंदर लेड है ठीक है ना लेड और सिलिका था तो लेड और सिलिका है लेकिन ऑप्टिकल ग्लास के अंदर साथ साथ थोड़ा सा फॉस्फोरस और सीरियम ऑक्साइड भी होती है ठीक है ना तो ये क्या करता है जब चश्मे का जो लेंस होता है ठीक है ना आप जाते हैं तो आपको बड़ा समझाया जाता है कि ये ब्लू रेज को रोक देता है ये ऐसा लेंस है ये वैसा कुछ नहीं है ड्रामा करते हैं सब ठीक है ना बेसिकली कुछ नहीं है ठीक है ना इसके अंदर फॉस्फोरस लेड सिलिका और सीरियम ऑक्साइड होती है जो कि हमारी आंखों को नुकसान करने वाली जो रेज है उसको ब्लॉक कर देती है और बन जाता है वो एक ऑप्टिकल ग्लास तो चश्मा बनाने के लिए जो ग्लास इस्तेमाल होता है ठीक है ना दैट इज नथिंग बट लेड ग्लास ठीक है चलिए बहुत अच्छे तो आप लोगों को एक चीज मैं खास बता देता हूं मंडे से आप लोगों के लिए क्या शुरू हो रही है ठीक है ना बा बुक के एप्लीकेशन के ऊपर फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही है रैंक इंप्रूवमेंट क्लासेस ठीक है ना तो जो रैंक इंप्रूवमेंट क्लासेस है क्योंकि हमने पढ़ तो रहे हैं हम लोग मेहनत तो कर हैं हम लोग लेकिन रैंक इंप्रूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो चार बजे से आप लोगों के लिए मंडे से शुरू होंगी लेकिन सैटरडे को ये मैं क्लासेस कैसे लेने वाला हूं ये कैसे आपको रैंक इंप्रूव करने में मदद करेंगी इसके ऊपर एक सेशन आप लोगों के लिए लूंगा टेक्सटबुक की एप्लीकेशन में तो सैटरडे को शाम को चार बजे आप लोगों के लिए सेशन होगा ठीक है ना सो यू देयर तो आप टेस्ट की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड क्लैपिंग कर, आप कर सकते हैं क्योंकि आपने चारों टॉपिक को बखूबी के साथ आपने किया है। Now it's turn to questions लगा इन ठीक है लेट्स स्टार्ट नाइन ईयर लिखा हुआ सेवन है भाई मैं नौ साल से नहीं पढ़ा रहा हूं यार सात साल से पढ़ा रहा हूँ गलत लिखा है हाँ जी अंकित शुक्ला जी कह रहे हैं एक बार और देखना पड़ेगा क्लास में लेट आया हूं लेट आने वाले की देखिए दुनिया में कोई जगह नहीं है आपको बता देता हूं आपको पता है यार मेहनत हम कर रहे हैं पीडीएफ हम बना के दे रहे हैं सब कुछ मिल रहा है उसके बाद भी लेट आ रहे हो भाई ऐसा कौन सा काम आ गया तुम्हारी सक्सेस से बड़ा कौन सा काम आ गया भाई है ठीक है चलिए एक सिंपल सा सवाल सीमेंट आपने पढ़ा था तो एक सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूं मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट एट ट्वेंटी एट डेज शुड बी थर्टी थ्री मेगा पासकल ट्वेंटी मेगापास्कल टेन मेगा या फिफ्टी मेगापास्कल यस एवरीवन ठीक है ना सिंपल है कि भाई जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है वो लगभग लगभग उतनी ही स्ट्रेंथ दे देता है जितनी एक ओपीसी सीमेंट की होती है और एक ओपीसी सीमेंट की जनरली अगर आपको ग्रेड ऑफ द सीमेंट ना बताया जाए तो 33 मेगा आपको स्ट्रेंथ मिलती है इसके साथ साथ एक टेबल आपको और दे देता हूं ठीक है ना ये टेबल बेसिकली ये बताती है कि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट अट्ठाइस दिन में कितनी स्ट्रेंथ देती है तैतीस ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट थर्टी थ्री ग्रेड का थर्टी थ्री फोर्टी थ्री ग्रेड का फोर्टी थ्री स्ट्रेंथ देगा कम से कम फिफ्टी थ्री ग्रेड का कम से कम फिफ्टी थ्री और सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट भी आपको उतनी ही स्ट्रेंथ दे, दे देता है कितनी 33 मेगापास्कल लो हीट सीमेंट आपको लगभग 35 मेगापास्कल स्ट्रेंथ दे देता है ओवरऑल 28 दिन में ठीक है चलिए अगला assertion रीजन के ऊपर सवाल है इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे गए हैं ये सवाल सब द टाइम टेकन बाय फ्री लाइम प्रेजेंट इन सीमेंट टू तो रिएक्ट विद वाटर इज वेरी हाई रीजन फ्री लाइम प्रेजेंट इन सीमेंट इज कवर्ड बाय थिन फिल्म ऑफ द सीमेंट तो ध्यान देने की बात ये है कि मुझे पता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है लाइम

धीरे धीरे आपको जब वो सूखता है सीमेंट तब आपको उसके अंदर देखने को मिलती है ठीक है भाई तो हम ये कह सकते हैं ठीक है ना तो मेरे को एक बात समझ में आती है कि वो कवर तो करता है ट्रू है ठीक है ना लेकिन वो ये भी कह रहा है कि टाइम टेकन इज वेरी हाई तो वो टाइम ज्यादा लेगा ही लेगा तो बिल्कुल सही बात है इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया सही बात ठीक है अगला क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज ऑफ फ्लाई एश यूज इन हाई वॉल्यूम फ्लाई एश कंक्रीट अब देखिए हाई वॉल्यूम फ्लाई एश कंक्रीट है तो कंक्रीट किससे बना है सीमेंट से बना है सीमेंट जो होगा वो हाई वॉल्यूम फ्लाई एश वाला सीमेंट होगा हाई वॉल्यूम फ्लाई एश सीमेंट के अंदर कितना फ्लाई एश होता है 50 से 60 परसेंट से 25 परसेंट से 80 या ग्रेटर देन 90 तो हमने देखा था कि जनरली अगर मैं एक कितना है दस से तीस परसेंट हो सकता है, 10 -30 हो सकता है ना तो बिल्कुल गलत आंसर होगा अगर आप दस से तीस परसेंट यहां पर देते हैं इसका सही आंसर होगा पचास से साठ परसेंट अब सवाल है क्यों क्योंकि जो हाई वॉल्यूम फ्लाई एस कॉन्क्रीट है वो हाई वॉल्यूम ठीक है ना फ्लाई एस सीमेंट से बनती है और ये बेसिकली पचास से साठ परसेंट फ्लाइस को कंटेन करती है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन काफी जो हीट टेम्परेचर हाइड्रेशन है वो काफी लेकिन इसके अंदर एक चीज का डिफरेंस आ जाता है मिनिमम सेवन डेज इतना मिनिमम किसी भी जनरल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें किसी भी तो आपसे कहा जाएगा कम से कम तीन दिन करना है ठीक है ना लेकिन इसमें कम से कम सेवन डेज तक आपको क्योरिंग करनी ही होगी ठीक है ना तो इससे एक फायदा और भी होता है इससे फायदा यह भी होता है कि रेजिस्टेंस टू अल्कलीज रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक ये सब फ्लाई की वजह से बढ़ जाती है और ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बढ़ जाती है तो 50 से 60 परसेंट अब देखिए क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है तो आपने सारी चीजें सीखनी भी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछे जा सकते हैं यह भी सीखना है ठीक है चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्राउन ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ शीट ग्लास सोडा लाइम ग्लास बोरोसिलिकेट ग्लास या फिर लेड ग्लास एवरी वन चचा जल्दी बताओ हाँ सोडा लाइम ग्लास कहते हैं इसको सोडा लाइम ग्लास बहुत जगहों पर इसका आंसर बोरोसिलिकेट ग्लास दिया गया है जो कि एक गलत आंसर है इसका सही आंसर क्या है क्राउन ग्लास क्राउन ग्लास ठीक है ना सोडा लाइम ग्लास सॉफ्ट ग्लास सोडा ग्लास सोडा सोडाइस ग्लास इज ऑनली ऑल्सो नोन एज क्राउन ग्लास। ठीक है चलिए बहुत अच्छे अब उसके बाद आ जाते हैं यूज ऑफ फाइनल पोजोलाना इनहेबिट्स और प्रिवेंट्स ब्लीडिंग इंक्रीज हीट ऑफ हाइड्रेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीचिंग डिपेसिवेशन ऑफ स्टील क्या हाजी नहीं नहीं रिकॉर्डेड नहीं होगा यार लाइव सेशन होगा भाई ठीक है ना तो फाइनल पोजोलाना इनहेबिट्स देखिए दो पोजोलानिक मटीरियल था वो बेसिकली रेजिस्टेंस टू ब्लीडिंग इंक्रीज कर रहा था यानी कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेगा हीट ऑफ हाइड्रेशन को डिक्रीज कर रहा था यानी कि कि ये गलत है। है, है आप कह सकते हैं हो सकती है। ठीक ना? और, depassivation और स्टील से तो कोई मतलब नहीं है तो आप ये कह सकते हैं क्यों? क्योंकि भाई पोजोलाना जो है, है ठीक ना? जब वो अंदर जाएगा तो पोजोलाना में क्या है सिलिका है और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में फ्री लाइम रह गया था उसको रिएक्ट करके उसके साथ क्या बना लेगा कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट बना लेगा तो मतलब जो अनक फॉर्म में लाइम रह गया था उसका इस्तेमाल कर जाएगा यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लीचिंग हो जाएगी तो ए होना चाहिए और सी सी होना चाहिए किसी ऑप्शन में है है ए एंड तो विल बी द राइट आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा ठीक है अगला अगलाशन रीजन दिया गया पोजोलानाइज एडेड सीमेंट टू तो इंक्रीज अर्ली स्ट्रेंथ रीजन इट रिड्यूसेज दीट ऑफ हाइड्रेशन देखिए अगर मैं बात करता हूं पोजोलाना की तो पोजोलाना पे हमारी ये चर्चा हुई है कि भाई पोजोलाना बेसिकली अल्टीमेट स्ट्रेंथ को बढ़ाता है लेकिन इसका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है सीमेंट का वो कम होने के कारण अर्ली स्ट्रेंथ आपको कंपेरेटिवली कम मिलती है तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ये इंक्रीज नहीं कर रहा है अली स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है और उसके साथ साथ हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस करने का काम करता है तो दूसरा स्टेटमेंट सही है तो रीजन सही है लेकिन असरसन गलत है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू बहुत अच्छे लाइम मोटार इज जनरली मेड विद क्विक लाइम फैट लाइम हाइड्रोलिक लाइम वाइट लाइम देखिए लाइम मोटार जो है जनरली हम किससे बनाते हैं तो लाइम मोटार जनरली हम किस लिए बना रहे हैं भाई किसी टाइप के मैशनरी वर्क को करने के लिए जहां पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ और बाइंडिंग प्रॉपर्टी मिल जाए और वो किससे मिलती है हाइड्रोलिक लाइम से मिलती है तो आप ये कह सकते हैं कि जनरली जो आ, लाइम मोटार वगैरह बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं हाइड्रोलिक लाइम से आज ही क्लास में बताया आपको ठीक है भाई

कम हो जाती है लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ती है ठीक है ना इनिशियल ट्रेनिंग टाइम में कुछ इंक्रीज हो सकता है ठीक है ना तो सेट जल्दी हो सकती है लेकिन उसका भी हमें अंदाजा तो नहीं है लेकिन मुझे पता है कि दो ऑप्शन है तीसरा वाला ऑप्शन एक इसके साथ है एक इसके साथ है किसके साथ ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि यह है नहीं ठीक है ना और सेकेंड के साथ हो नहीं सकता तो सिर्फ फर्स्ट के साथ हो सकता है यानी कि वन एक सही आंसर हो सकता है ठीक है ना तो देखिए इस तरह से आप कभी कभी ऑप्शन की अप्रोच से भी आंसर को निकाल सकते हैं सही बात है जय साहब चलिए बहुत अच्छे। द दूजन ऑफ ग्लास टू मेक ग्लास फायर रेजिस्टेंट टू मॉडिफाई द हार्डनेस ऑफ ग्लास टू इंपार्ट कलर एंड शाइन देखिए मैं बेसिकली पोटैश को इसलिए इस्तेमाल करता हूं इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये सवाल पूछा इसलिए गया। ठीक है ना क्योंकि उनको पता था कि आप करके नहीं आएंगे ग्लास पढ़ के नहीं आएंगे ना? उनको अच्छे था, तो बनाने के लिए हम पोटैश को मिलाते हैं ग्लास के अंदर लेकिन आप, आप मेहनत कर रहे हैं तो भाई देंगे रेजिस्टेंट बनाने के लिए ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और फॉर लाइम्स यूज इन कंस्ट्रक्शन लाइम यूज इन कंस्ट्रक्शन हाइड्रोलिक लाइम इज यूज फॉर स्ट्रक्चर पर्पज हाँ करते हैं

ग्लास देखिए नया टाइप का ग्लास आ गया अभी मैंने इसके बारे में नहीं बताया आपको ग्लास ग्लास इज प्रिपेयर्ड बाय एम्बेडिंग वायर नेटिंग इन प्लेट ड्यूरिंग हीटिंग प्रिपरेशन रोलिंग मैन्युफैक्चर देखिए वायर्ड ग्लास के अंदर हम क्या करते हैं पतले पतले ग्लास वायर्स हम लोग उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं ग्लास प्लेट के अंदर जिससे कि ओवरऑल स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ा देते हैं ठीक है तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया जाता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैगनुफैक्चर करते समय ही ये काम कर दिया जाता है ठीक है ना तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा तो तुक्का मार दिया तुमने इसमें चलो ठीक है अब जो गलती करनी है वो यही करनी है एग्जाम में तो बचेंगे ना इससे ठीक है साहब परसेंटेज ऑफ कंटेनिंग क्ले ठीक है ना कि एक पोजोलानिक मटीरियल है जिसके अंदर क्ले की प्रॉपर्टीज क्ले की परसेंटेज अप अपनी परसेंट यूज फॉर द मैगनुफैक्चर ऑफ पोजोलानिक सीमेंट या पोजोलाना सीमेंट इज

बहुत अच्छे तो आंसर ए हो जाएगा अभी क्लास में सिखा दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंडर्स ग्लास इन्फ्यूजेबल एंड मेक्स ग्लास फायर रेजिस्टेंट पोटाश सोडा कलेट लाइम तो मुझे पता है कि यार अगर मेरे को उसको फायर रेजिस्टेंट बनाना है जय साहब तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा यस yes, बहुत अच्छे सिंह साहब पोटाश का इस्तेमाल करूंगा बहुत बढ़िया फॉलोइंग लाइम इज क्लासिफाइड एज क्लास लाइम जई साहब क्लास ई लाइम और मैंने बोला था इस कोड को याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में सवाल पूछा गया था ठीक है ना एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम यूज फॉर स्ट्रक्चरल पर्पसेस सिलीशियस डोलोमेटिक लाइम यूज फॉर अंडर कोट एंड फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर डोलोमेटिक लाइम यूज फॉर फिनिशिंग कोट एंड प्लास्टरिंग व्हाइट वॉशिंग एटसेट्रा कंकड़ लाइम यूज फॉर मैसनरी मोटार्स

तो क्या बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और इसी को हाइड्रेटेड लाइम कहते हैं हम लोग तो ट्रू है पहला और तीसरा पहला और तीसरा डी पहला और तीसरा डी विल बी द राइट आंसर बहुत अच्छे बहुत बढ़िया ठीक है जय जी साहब कैल्सीनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट्स इन क्विक लाइम हाइड्रोलिक लाइम हाइड्रेटेड लाइम फैट लाइम तो भाई प्योर लाइम का कैल्सीनेशन आप करेंगे हाइड्रेशन होना चाहिए होगा प्योर लाइम का प्योर लाइम स्टोन का होना चाहिए ना तो आंसर डी होना चाहिए लेकिन क्विक लाइम लिख रहा है प्योर लाइम का कैल्सने कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम ना क्वेश्चन सही से फ्रेमड नहीं है ठीक है ना कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट्स इन फैट लाइम

ठीक है ना तो फैट लाइम हो गया जी बहुत अच्छे बहुत बढ़िया सिंह साहब युवराज बहुत बढ़िया ठीक है भाई टाइप ऑफ कंसिस्ट ऑफ फाइन बट सॉलिड रॉड्स ऑफ ग्लास ठीक है ना कि भाई एक टाइप का ग्लास जो की काफी फाइन होता है और सॉलिड रॉड्स होती हैं उसके अंदर ग्लास की तो सॉलिड अभी अभी मैंने बताया था फाइबर ग्लास ठीक है ना फाइबर ग्लास बोलते हैं इसको और फाइबर ग्लास को ही हम लोग ग्लास फाइबर भी भी कह देते हैं, उल्टा भी कह देते देते हैं हैं उल्टा ठीक है ना फाइबर ग्लास या फिर ग्लास फाइबर भी कह सकते हैं आप सब ठीक है चलिए बहुत अच्छे बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट एंड अ सैंडविच लेयर ऑफ तो मैंने बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर क्या किया था जब मेरे को बुलेट प्रूफ ग्लास बनाना था तो बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर मैंने पॉलीविनाइल की लेयर को डाल दिया था ठीक है ना क्या किसकी लेयर को डाल दिया था विनाइल प्लास्टिक को डाल दिया था पॉलीविनाइल विनाइल प्लास्टिक यानी जो कि एक हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक होती है और वो किसी भी तरह के बुलेट जैसे इंपैक्ट को भी हैंडल कर लेती है राइट है बहुत अच्छे बहुत बढ़िया ठीक है भाई उसके बाद है विच टाइप ऑफ लाइम इज ऑलमोस्ट प्योर लाइम ऑप्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ लाइम इट इज यूज फॉर मेकिंग अच्छा ठीक है किससे लाइम स्टोन से और कह रहा है कि आप इससे आप लाइम एंड मोटार भी बनाते हैं सुपर स्ट्रक्चर के लिए लाइम सुर्खी मोटार भी बनाते हैं सब स्ट्रक्चर के लिए और लाइम टेरेसिंग भी करते हैं इससे इस तरह के लाइम को हम क्या कहते हैं इस तरह के लाइम को स्टोन लाइम कहा जाता है ठीक है ना तो देखिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे की गई है इस तरह की लाइम को क्या कहा जाता है स्टोन लाइम ठीक है ना हालांकि ये ये एक एक तरह तरह का का क्या होगा हाइड्रोलिक लाइम होगा ठीक है ना लेकिन हाइड्रोलिक लाइम जो कि स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल हो सकता है और इसको हम एक और नाम से बुला रहे हैं दैट इज क्या स्टोन लाइम ठीक है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टेम्पर्ड ग्लास ज फोर टू फाइव टाइम्स स्ट्रॉगर देन ऑर्डनरी ग्लास हाँ होता है ट्रू है जी लेकिन ये तो नॉट ट्रू कह रहा है इन द इवेंट ऑफ ब्रेकेज ग्लास फॉर्म शार्प एजेस विच मे कॉज कटिंग एंड पियर्सिंग इंजरीज टू ह्यूम नहीं क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास जो है ना ठीक है ना वो थोड़ा सा क्या कर लेता है बेंडिंग स्ट्रेसेस को हैंडल कर लेता है तो वो जब आपने देखा भी होगा जब भी आपका फोन टूटा भी होगा आपने टेम्पर्ड ग्लास लगाया होगा तो एकदम से टूट के बिखरा नहीं होगा उसमें चटक आ गई होगी क्रैक्स पड़ गए होंगे लेकिन ऐसे बिखर नहीं गया होगा ठीक है ना आपने नोटिस किया होगा नहीं किया तो कभी तोड़ के देखो तब पता चलेगा ठीक है तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल शार्प है फॉर्म में बिखर जाता है ऐसा नहीं होता तो ये गलत है इट कैन स्टैंड रैपिड टेम्परेचर वेरिएशन इट कैन फॉर्म नॉर्मल ग्लास बाय स्ट्रेंथनिंग बाय सिंपल फिजिकल हाँ क्योंकि इसको हमने कैसे बनाया था एकदम से रैपिडली रीहीट करके और रैपिडली कोल्ड डाउन करके तब हमने इस ग्लास को बनाया था और इसके अंदर स्ट्रेंथ तीन से पांच गुना ज्यादा आ गई थी एक ऑर्डनरी ग्लास से ठीक है ना तो एक ही स्टेटमेंट गलत है एंड दैट इज बी या फिर आप सेकंड स्टेटमेंट कह सकते हैं राइट right है चलिए बहुत अच्छे तो भाई आप लोगों के लिए मंडे से मैं इसलिए रैंक इंप्रूवमेंट क्लास शुरू कर रहा हूं बस आपको टेस्ट बुक की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है दिस विल बी अ फ्री रैंक इंप्रूवमेंट क्लास फॉर एवरी अपकमिंग स्टूडेंट जो कि एसएससी जेई का पेपर इस बार देना चाहता है एंड ही वॉन्ट्स टू टॉप ठीक है ना तो बस आपको ये पास होना चाहिए और सैटरडे को मैं चार बजे जो क्लास लूंगा उस सैटरडे की क्लास के अंदर आने वाले पूरे के पूरे प्लान्स को आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कि कैसे हम अपनी रैंक इंप्रूवमेंट पे काम करेंगे और कैसे कैसे ये क्लास आपको हेल्प करने वाली है ठीक है ना सो बी देर ऑन सैटरडे एट फोर पी और मंडे से फिर हम फोड़ देंगे ठीक है ना चलिए सो टेक केयर फॉर द डे और क्लास का जो पीडीएफ है आप अप, मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स शुभम अग्रवाल सर टेक्स बुक से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कई सारे बच्चों ने मेरा पुराना टेलीग्राम ग्रुप डाउन मतलब ज्वाइन किया हुआ है और कई सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कि सर पीडीएफ टेलीग्राम में आता ही नहीं है बाबू आप पुराने टेलीग्राम ग्रुप में रहेंगे तो आएगा कहां से जो तो नया टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे ठीक है ना उसको ज्वाइन कर लें और उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है सो टेक केयर फॉर द डे एंड गुड क्लैपिंग फॉर यू ऑल गाइज क्योंकि आपने सारे टॉपिक्स को पढ़ा भी उनके ऊपर भी भी लगाया और हर किसी के बस की की बात नहीं होती आपने देखा भी होगा सेशन शुरुआत में वर लॉट मोर स्टूडेंट्स बट अभी जो है उसके कंपेरिजन में थोड़े से कम है बट ये है कि हाँ जिन्होंने आखिरी तक एक एक पॉइंट को पढ़ा सुना समझा है दे आर गोइंग टू डू ग्रेट इन द कमिंग एग्जामिनेशन बहुत अच्छे बहुत अच्छे ठीक है ना और हम लोग कैसे हैं कैसे लोग हैं हम लोग वी आर फेंटेस्टिक सब लोगों को ये अपने आप से बताना है वी आर फेंटेस्टिक पीपल यस ठीक है तो टेक केयर एंड यू आर गोइंग टू डू ग्रेट चलिए जय हिंद ओके गाइस